हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। एक बार मुझे वॉइस बताएं whether the voice is clear or not। एक बार मुझे वॉइस बताएं कि वॉइस आ रहा है या नहीं। एक बार मुझे क्लियर करें whether the voice is okay or not। जल्दी से मुझे बताएं। यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ इशू आ गया था इस वजह से मैं लेट हो गया, बट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आप लोग मुझे बता दीजिए whether the voice is coming or not। वॉइस क्लियर है, मैं विजिबल हूं क्या, मैं विजिबल हूं क्या, वॉइस मेरी क्लियर है, देन वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। यस, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से। यस द वॉइस, यस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गौरव, गुड आफ्टरनून विजय, गुड आफ्टरनून साहिल। यस, थोड़ा सा इश्यू हो गया था, इस वजह से मैं जस्ट बिजी था उसमें। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा सेशन है वो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हीट ट्रांसफर के बारे में। सो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हीट ट्रांसफर पे है। हम लोग हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी से हम लोग यहां से फिनिश करेंगे। सब कुछ क्लियर है, तो चलिए मैं जल्दी से अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माय नेम इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिन लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है वो @त्यागी100 यहां पे फॉलो कर सकते हैं। आई हैव क्वालिफाइड गेट मोर देन 5 times, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 7 years का है। अभी तक मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं। मेरे जो बेसिक सब्जेक्ट्स रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, RAC, IC इंजन एंड पावर प्लांट। यस, हेलो सौरभ, हेलो राहुल, भारती, सौरभ, पृथ्वीराज, गौरव, भारती, गौरव, ओके, संजय, तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार। कितना टाइम लगेगा, लगभग 2 से 2.5 घंटा लगेगा। 1 mark क्वेश्चन का सीरीज जो है इवनिंग में, यस, जैसे ही मैं लिंक क्रिएट करूंगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये एक बैच है 2000, यहां से 8 फरवरी से बेटा अभी स्टार्ट हुआ है, 18 से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। मैंने अपने बारे में भी बताया कि मेरा जो बैच है वो आपको 20 तारीख से मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जिसको लगता है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए तो मैं एक डिटेल्ड लूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं 120 आवर्स में फिनिश करूंगा, बट ऐसा मेरे साथ होता नहीं है कि मैं 120 आवर्स में कर लूं, बट मैं उसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या गेट हो या PSC हो, सब कुछ इंक्लूड करके 20 तारीख से FM स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये बैच है, 8 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कोड आपको वही यूज करना है, त्यागी100। ये वाला जो बैच है 2023 के लिए है, जो लोग 2023 के लिए यूज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। यस, 1 mark जो होंगे वो मिक्स होंगे, 1 mark के जो क्वेश्चन होंगे वो मिक्स होंगे। ये मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मैं अपना स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जितने लोगों को लगता है कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये जो एक जर्नी है जिसके साथ अगर आप लोग को लगता है कि मैं जाना चाहता हूं, इनकेस अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो यस, आप अगर सीरियस हो तो अपना जो भी कोर्स है उसको लीजिए और मेरे साथ 20 तारीख से स्टार्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। यस, बिल्कुल, फ्लूइड मैकेनिक्स में 0 से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल 0 से और लास्ट तक लेके जाऊंगा। तो पहला सब्जेक्ट आपका यही रख रहा हूं, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अच्छा, आपके पास 2 type के कोर्सेज रहेंगे जब आप परचेस करने जाओगे, तो एक आपके पास प्लस रहेगा, एक आपके पास आइकॉनिक रहेगा। प्लस में आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी, क्रैश कोर्स रहेगा, वीकली टेस्ट रहेगा, डाउट सॉल्विंग रहेगा। आइकॉनिक में आपके पास पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशंस, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल, ये सारा रहेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे जस्ट चलते हैं कोर्सेज की। अगर कॉस्ट की बात करें तो एक नॉमिनल कॉस्ट है मेरे ख्याल से, अगर आप जस्ट देखते हो तो जो 12 महीने वाला है वो 27,225 का है, 18 महीने वाला, इनकेस आप थर्ड ईयर में हो तो 34,650 का है, और 24 महीने वाला जो है वो 39,600 का है। आइकॉनिक थोड़ा सा कॉस्टली है बिकॉज आपकी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आइकॉनिक में अवेलेबल है, तो चाहे आइकॉनिक वाला चाहे तो आइकॉनिक वाला ले सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे अभी जरूरत है आइकॉनिक की, क्योंकि कोई ना कोई मुझे डेली का डेली अगर अपडेट करता रहेगा कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना है, ऐसे सेशंस लेने हैं, तो यू कैन जस्ट गो विद द यस। हाँ, न्यू से स्टार्ट करना है, यस, फ्लूइड मैकेनिक्स न्यू से स्टार्ट करना है, तो जस्ट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और वो प्लस पे कोर्स रहेगा, दैट मीन्स वो पेड रहेगा। इनकेस ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं सर मतलब हम पेड नहीं लेना चाहते हैं या हम तो ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, मैं तो जस्ट एक चीज बोलता हूं कि अगर आप वाकई में अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो तो 1 साल अगर आप दे ही रहे हो ना, तो 20-30 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपका PSC में हो जाएगा ना, तो 1 महीने की जो सैलरी है वो कम से कम 4
बाकी फीस निकल आएगी। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप सीरियस नहीं हो और आप इधर उधर भटकते रहे, होता क्या है कि हम एक टॉपिक इनसे पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक उनसे पढ़ते हैं, उस चक्कर में हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अगर कहीं आपका पीएससी रह गया तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज अगर आप सीरियस हो तो मेरा सजेशन, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बेचने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं कि सर के कोर्स चले जाए, उसका ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट मैं बोल रहा हूं कि अगर सीरियस हो तो वाकई में फिर सीरियस स्टडी करना, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप लोग समझदार हो जितने भी। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो हम हीट ट्रांसफर पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन एचएमटी। तो एचएमटी पे आखिरी नजर जो कुछ भी है जल्दी जल्दी से करेंगे और फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। तो आज हमारा एचएमटी है, एचएमटी में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बार बता दीजिए जल्दी से, यस फ्लूइड मैकेनिक्स क्या लिखा, पूरा कर सकता हूं, समझ नहीं आया मुझे क्या बोल रहे हो, फ्री में फ्लूइड मैकेनिक्स आगे पूरा क्या लिखा है, कर सकता हूं या अच्छा कर सकता हूं, हाँ तो नहीं, फ्री में फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं रहेगा, जो डिटेल्ड एनालिसिस रहती है, जो डिटेल्ड कोर्स रहते हैं जिसमें मतलब सारा का सारा आपका सिस्टमेटिक रहता है, टेस्ट वगैरह जो भी है मैं अपनी शीट्स वगैरह आपको देता रहूंगा, तो वो ऑब्वियसली पेड रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेड वाले बच्चे हैं और जो नॉन पेड वाले बच्चे हैं तो कुछ तो डिफरेंस रहता है उनमें, है ना। यस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन, बाकी सब बातें जो है आपको जैसा लगता है कि नहीं करना है नहीं करना है वो आप अपना मुझे, अगर आपको लगता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कहीं से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास ये अनअकैडमी का ऐप है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे मुझे मैसेज मिल जाता है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम सर ये हीट ट्रांसफर पढ़ना क्यों चाहते हैं, हीट ट्रांसफर पढ़ना क्यों चाहते हैं। तो अगर हम हीट ट्रांसफर की जस्ट बात करें, सौरभ माने बेटा स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं यहां पे, क्या कर रहा हूं, स्टार्ट ही कर रहा हूं, यस। तो हम अगर यहां से जस्ट बात करें तो हमने सबसे पहले जस्ट बोला कि हमने एक्चुअल में सर अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था, हमने एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था, अब हमारे पास सर ये है कि हमने हीट ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो हम जस्ट बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या बोला था, थर्मोडायनेमिक्स इज द, जो हमारे बात कर रहा था थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, दैट इज टू ब्रिंग द सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो थर्मोडायनेमिक्स ने आपकी क्वांटिटी के साथ डील किया था, डायरेक्शन के साथ डील किया था, बट इट वॉज द हीट ट्रांसफर जिसने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा, जब हम यहां से जस्ट बेटा बात करें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में, तो हमने बोला कि हम यहां पे जो हीट लेके चलते हैं दैट इज ऑन किलो जूल पर सेकेंड, और अगर हम यहां से जस्ट बात करें दैट इज ऑन किलो वॉट, है ना, हम यहां से जस्ट इसको किलो जूल पर सेकेंड या किलो वॉट में लेके चलते हैं। एक और चीज हम यहां से लेके चलते हैं दैट इज हीट फ्लक्स। तो हीट फ्लक्स की अगर हम बच्चा यहां से बात करें तो हीट फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, इट इज सिंपल, हम यहां से बोल देते हैं दैट इज नथिंग, इट इज क्यू बाई ए, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू से, और इसकी जो यूनिट आती है बच्चा वो यूनिट हमारे पास आ जाती है कितनी, वॉट पर मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट आती है वो हमारे पास यहां से जस है। हाँ, अगर आप लास्ट में रिवीजन कर रहे हैं, एचएमटी नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको काम आएगी ऑब्वियसली, है ना, बिल्कुल नहीं किए हैं तब भी देखने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अगर हम यहां से जस बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, जस हम यहां से चलना शुरू करें, तो सबसे पहले हम यहां से जस्ट बोलते हैं कि हमारे पास तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रहते हैं। इन जनरल अगर हम बच्चा बात करें तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारे पास तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रहते हैं, और तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर हम यहां से बात करें तो सबसे पहला आ जाता है दैट इज ऑन कंडक्शन, सबसे पहला जो आता है दैट इज कंडक्शन, सेकेंड जो आ जाता है दैट इज कन्वेक्शन, और थर्ड जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर के हम लोग बात करते हैं। कंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहां से जस्ट बोलते हैं यस, कंडक्शन हमारे पास क्या है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली अकर्स इन सॉलिड। इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड और गैसेस में नहीं है, हमने यहां से बोला कि कंडक्शन जो है एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो जनरली सॉलिड्स में अकर्स होता है, और सॉलिड में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, एंड ऑल्सो ड्यू टू मॉलिकुलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर, एंड ऑल्सो ड्यू टू मॉलिकुलर लैटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपकी हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। बेटा इसके जो अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हीट ट्रांसफर की बात कर रहा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन,
और ये जो मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशनल के थ्रू हो रहा है इसको हम बेटा नाम दे देते हैं फोनोनिक कंडक्शन का। तो जस्ट हमें यहां से पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है, कौन सा फोनोनिक कंडक्शन होता है। दूसरा बेटा अगर हम यहां से जस्ट बात करें एफएम का, सिर्फ परसों से जो बाकी था मशीनरी, यस मैं करा दूंगा, ठीक है मैं यहां से करा दूंगा। इधर देखिए नेक्स्ट, अगर हम यहां से जस्ट बात करना शुरू करें तो हम ये यहां से जस्ट बोल रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और फोनोनिक कंडक्शन की बात कर रहा है, और हमें पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चा, पास पास होते हैं, तो हमें वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर मिलता है, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर मिलता है। दैट्स व्हाई हम यहां से जस्ट बोलते हैं कि दिस इज योर माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना, दिस इज माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। हम यहां से जस्ट बोलते हैं कंडक्शन हमारे पास कौन सा फेनोमेना बेटा, माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है। तो अगर आप जहां से भी जस्ट अगर याद रखना चाह रहे हैं तो याद रख सकते हैं। एक और चीज हम यहीं से बोल देते हैं कि जितने भी मटेरियल हमारे पास होते हैं वो अगर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं, तो वो हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन जो आता है वो इसमें क्या आ जाता है, डायमंड आ जाता है। ऑल द मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक्सेप्ट एक मटेरियल आता है दैट इज नोन एज हमारे पास क्या होता है बच्चा, डायमंड। डायमंड को हम यहां से बोलते हैं कि डायमंड हमारा हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। जिसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 2300 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। डायमंड की कंडक्टिविटी 23 कहीं कहीं पर 2100 लिखा रहता है, तो आपको ये जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट बेटा यहां से बात करते हैं, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है। अच्छा इसी में अगर हम यहां से जस्ट बात करना शुरू करें तो हमारे पास है कंडक्टिविटी। अगर हम यहां से जस्ट कंडक्टिविटी की बात करें तो हमने यहां से बोला कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, हम बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस का के इंटू ए और इंटू में हमारे पास कितना आ जाता है, डी टी डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है बच्चा, डी एक्स आ जाता है। के इंटू ए इंटू डी टी डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाता है, डी एक्स आ जाता है। हम के को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम यहां से बोल देते हैं के इज इक्वल टू बच्चा कितना आ जाता है, क्यू डिवाइडेड बाई ए और इंटू आ जाता है डी टी बाई डी एक्स आ जाता है। अगर हम यहां से एरिया वन मान लें और डी टी बाई डी एक्स हम यहां से जस्ट बेटा वन मान लें तो हमारे पास के इज इक्वल टू कितना आ जाता है, क्यू आ जाता है। तो हम दो टाइप से क्यू को डिफाइन करते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, के को कैसे बोलते हैं, के को बोलते हैं इट इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अलाउज द हीट टू गेट कंडक्टेड थ्रू इट। ये एक थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो हीट को अलाउ करती है कि इसके थ्रू कंडक्ट होके चली जाए। सिमिलरली अगर हम यहां से जस्ट बोल देते हैं तो हम यहां से ये भी बोल देते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस इन अ यूनिट विड्थ, किसी भी यूनिट विड्थ में पर यूनिट एरिया पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस में जितनी हीट ट्रांसफर होती है उसको भी हम कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो कहीं पर भी अगर हो तो आप इस डेफिनेशन से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा फिर हम यहां से कंडक्टिविटी का जस्ट बेटा वेरिएशन पढ़ते हुए जाते हैं तो हम थोड़ा सा जस्ट वेरिएशन की जस्ट बात कर लेते, कुछ हमें चीजें याद रहनी चाहिए। मेटल्स की अगर हम यहां से बेटा कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स में आपके पास जो सिल्वर रहता है उसका कंडक्टिविटी 405 वॉट पर मीटर केल्विन, कॉपर का कंडक्टिविटी 385 वॉट पर मीटर केल्विन मेरे ख्याल से आपको याद होगा, गोल्ड का कंडक्टिविटी आपका 260 वॉट पर मीटर केल्विन और एल्युमिनियम का कंडक्टिविटी 204 वॉट पर मीटर केल्विन और आयरन का कंडक्टिविटी आपका 110 वॉट पर मीटर केल्विन और यहां से स्टील का कंडक्टिविटी होता है 17 to 45, जो प्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो ये कंडक्टिविटीज बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इनसे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ देता है, तो आप इनके 5-6 ये जो वैल्यूज हैं इनको याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं बच्चा जिनका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, जिनको हम इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है जिनको इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमने यहां से जस्ट दिखा दी है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंसुलेटर, नंबर वन इज एस्बेस्टस, नंबर टू इज ग्लास वूल, दिस इज योर
ग्लास वूल, और नेक्स्ट बेटा अगर हम यहां से जस्ट बात करें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, और नेक्स्ट है पफ और सॉडस्ट रॉक वूल। ठीक है, पफ और सॉडस्ट रॉक वूल क्या होता है, जो आपके फ्रिज में मटेरियल यूज किया जाता है, जिसको हम एज एन इंसुलेटर यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ना फ्रिज में अंदर आपका जो भी हीट वगैरह है अंदर एंट्री नहीं करता है। और नेक्स्ट एक फ्रेयॉन गैस होती है, फ्रेयॉन गैस होती है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। फ्रेयॉन गैस की अगर हम यहां से जस्ट बात करें, यस 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 सौरभ, यस बेटा, यस यस यस, मेरे ख्याल से काफी पहले की बात है, मैं वहां पे पढ़ाया था और शायद थर्मो पढ़ाया था वहां पे। ठीक है, तो यहां पे जस्ट अगर हम बेटा बात करें तो फ्रेयॉन गैस की कंडक्टिविटी जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है, दैट इज 0.0083। तो ये गैस है, बाकी आपके जो मेटल्स हैं सॉरी बाकी आपके नॉन मेटल्स हैं या इनको हम जस्ट इंसुलेटर के नाम से जानते हैं कि एज एन इंसुलेटर ये काम करते हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा हम लोग यहां से जस्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहां से जस्ट बात करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अगर यहां से जस्ट थोड़ा सा ये चीज याद रखिएगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है, आपसे बोल देता है कि हमारा जो के होता है वो फंक्शन होता है बेटा किसका, डायरेक्शन का। मतलब अगर हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो कंडक्टिविटी आपकी किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में वेरिएट कर रही होगी, के एक्स होगी, यहां पे के वाई होगी और यहां पे के जेड होगी। उसने बोला कि अगर हमारा जो के है वो फंक्शन ना हो डायरेक्शन का, समझिएगा, अगर के हमारा फंक्शन ना हो डायरेक्शन का, मतलब हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर हमारा यहां से के एक्स जो है वो बराबर हो जाए के वाई के, वो बराबर हो जाए के जेड के, तो हम यहां से बोल देते हैं इट मींस जो मटेरियल है वो हमारे पास कैसा है बच्चा, आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। जब भी ध्यान रखना है आपको, जैसे यहां से याद अगर हो 2018 में शायद, हाँ 2018 में पढ़ाया होगा। हाँ चलो हम यहां से जस्ट बेटा बात करते हैं, तो हमें यहां से जस्ट दिख जाता है अगर हमारा के एक्स इज इक्वल टू बच्चा के वाई इज इक्वल टू के जेड हो जाए, तो मतलब यहां से बोलिए बोलेगा सिंपल, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डू नॉट वेरी विद डायरेक्शन, then the material is known as, material is known as बेटा कौन सा material है, that is known as isotropic material। जो material है उसको बेटा हम यहां से क्या बोलते हैं, isotropic material। next एक और है के vary with position, मतलब हमारे पास ये material है, इस material के अगर यहां से बात करें यहां पे conductivity यहां पे conductivity, तो yes k जो है वो vary with position in a given direction। ऐसे let suppose हमने यहां से बोला k1, यहां से बोला हमने k2, यहां से बोला हमने यहां से k3, यहां से बोला k4, तो हम यहां से बोल देते हैं कि कुछ ऐसा है, और हमने यहां से देना गिवन डायरेक्शन एंड द मटेरियल इज नॉन एज, हम जस्ट बात कर देते हैं कौन सा मटेरियल है बेटा, हेट्रोजीनियस मटेरियल। ठीक है, तो हम यहां से जब भी बात करते हैं तो हम मटेरियल को मान के चलते हैं कि मटेरियल हमारा आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। जब जब हम यहां से स्टडी करना शुरू करते हैं तो मटेरियल को हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल मान के चलते हैं कि कंडक्टिविटी का कोई भी वेरिएशन ना हो। तो इनको जस्ट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जब भी आपसे पूछता है तो दो तीन ये दोनों चीजें जो है वो आपसे पूछ लेता है, तो यू डोंट फॉरगेट कि हाँ हमें ये सब नहीं पता है। ठीक है, अच्छा वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था के मेटल्स में बात करते हैं तो K is equal to कितना होता है बेटा K naught, और यहां से कितना आ जाता है 1 प्लस कितना आ जाता है बच्चा अल्फा T। अल्फा जो होता है वो आपका बेटा यहां से नेगेटिव होता है फॉर प्योर मेटल्स। अगर हम यहां से अल्फा की बात करें तो अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है फॉर प्योर मेटल्स, और अगर हम यहां से जस्ट बात करें अल्फा के लिए, अल्फा हमारा पॉजिटिव आ जाता है फॉर एलॉयज। अगर हमसे एलॉयज की बात करें तो अल्फा हमारा पॉजिटिव आ जाता है। मतलब अगर हम यहां से जस्ट बोले तो हमें यह चीज समझ में आती है कि अगर मैं प्योर मेटल्स को ले लूं तो प्योर मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर, या एलॉयज की जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर। अच्छा कैसे, हमने बोला कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल टेम्परेचर के साथ साथ घटती है। अगर हम यहां से लिखना चाहें तो ये बोल देते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल की अगर हमसे बात करेगा तो प्योर मेटल्स की कंडक्टिविटी जो है ना हमारी घटती है। कैसे, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, बट एलॉयज की कंडक्टिविटी अगर हमसे यहां से जस्ट बात करें तो एलॉयज की कंडक्टिविटी बच्चा बढ़ती है एज आपने यहां से टेम्परेचर जस्ट बोला कि टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बोला एलॉयज के केस में क्या होता है, एलॉयज के केस में इंप्योरिटीज होती हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं वैसे वैसे वो इंप्योरिटीज बर्न होना शुरू होती हैं। इंप्योरिटीज बर्न होना शुरू होती हैं तो मेटल आपका प्योरिटी की तरफ जाना शुरू होता है, और जैसे जैसे प्योरिटी की तरफ जाना शुरू होता है वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी
जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी में जब हम यहां से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो हम यहां से जस्ट ऐसे देखते हैं कि अगर हमसे अलॉयज की बात करेगा या प्योर मेटल्स की बात करेगा, तो हमारे पास दो रिलेशन मिलते हैं। दिस इज योर के इज इक्वल टू के नॉट, और यहां से 1 माइनस अल्फा टी मिल जाता है, एंड दिस इज के इज इक्वल टू के नॉट, और इनटू में 1 प्लस अल्फा टी मिल जाता है। ठीक है, के इज इक्वल टू के नॉट, और यहां से 1 माइनस अल्फा टी मिलता है, और दिस इज के इज इक्वल टू के नॉट 1 प्लस अल्फा टी मिल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बच्चा एलॉयस के लिए। हमें यहां से अच्छे से पता है दिस इज फॉर एलॉयस, और ये हमारा जो मिल जाता है दिस इज फॉर प्योर मेटल्स। तो जहां पे भी अगर आपसे यहां से बात करे, तो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि सर हमसे प्योर मेटल्स की बात कर रहा है या हमसे यहां से एलॉयज की बात कर रहा है। सो वी हैव टू जस्ट, अगर हम यहां से, तो मैंने अभी तक जो बात की वो मैंने यहां से बात की बच्चा किसके बारे में, हीट ट्रांसफर हम लोग स्टार्ट किए थे। हमने हीट ट्रांसफर को जस्ट बोला, हीट ट्रांसफर की एक्चुअल में जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ने कभी भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। फिर हमने आगे चलना शुरू किया था, तो हमने हीट ट्रांसफर से थोड़ा सा आगे देखा, तो हमने जस्ट बोला कि हीट ट्रांसफर के तीन मोड्स हम पढ़ते हैं, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन है, और एक रेडिएशन है। तो कंडक्शन हमारा वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है विच जनरली अकर्स इन द सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में भी अकर करता है, बट सॉलिड्स में हमें जनरली देखने को मिल जाता है। तो हमने यहां से बोला कि सॉलिड के केस में दो टाइप से होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी के थ्रू। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है वो हमें पता है बेटा कितना होता है, 70%, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी के थ्रू होता है वो कितना होता है, 30%। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी के ट्रांसफर के थ्रू होता है दैट इज फोनोनिक कंडक्शन। ठीक है, और हमें यह चीज भी पता चली कि कंडक्शन जो होता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना होता है। फिर हमने कंडक्टिविटी को डिफाइन किया, तो के इज Q divided by K into dT by dx लिखा, उससे एक definition बनाई, हमने बोला it is the amount of heat transfer per unit area, per unit temperature difference in a unit width, ऐसे भी define किया, या हमने उसकी definition ली that is conductivity is a thermophysical property which allows the material to, allows the heat to get conducted into it. ये हमने यहां से छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया। फिर हमने वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी बोला, हमने यहां से बोला कि डायरेक्शन के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है, तो हमने यहां से बोला आइसोट्रॉपिक है, और अगर हमारा पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोट्रॉपिक है, और अगर पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रहा है तो हमारा हेट्रोजीनियस मटेरियल है, ऐसे हमने जस्ट बोला। फिर वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी इन द मेटल बताया आपको, और वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी में एक जनरल फॉर्मूला लिया, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको ऐसे लिखा मिलेगा, के इज इक्वल टू के नॉट और 1 प्लस माइनस ऑफ अल्फा टी। तो अगर हमारा अल्फा यहां से प्लस वाला लेके चलते हैं तो हमारा प्योर यहां से एलॉयज के लिए है, और माइनस वाला लेके चलते हैं तो बच्चा ये हमारा किसके लिए है, प्योर मेटल्स के लिए है। एलॉयज की कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है बिकॉज इंप्योरिटीज घट जाती हैं, इसलिए कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ एलॉयज की बढ़ती है, और प्योर मेटल्स की कंडक्टिविटी ऑलरेडी वो प्योर है तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है बच्चा, घटना शुरू हो जाती है। तो ये कहानी है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन द मेटल्स। अच्छा, मेटालिक सॉलिड्स में अगर हम यहां से जस्ट बात करें, तो कंडक्टिविटी बेटा हमारी दो चीजों का फंक्शन होती है। कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ, हमने यहां से बोला कि एक तो फंक्शन होती है पोरोसिटी का, और दूसरा फंक्शन होती है मॉइस्चर कंटेंट का। दूसरा फंक्शन होती है किसका बेटा, मॉइस्चर कंटेंट का। अभी मैं यहां से जस्ट पूरा एक साथ लूंगा मॉइस्चर कंटेंट का। तो हमें यहां से जस्ट दिखता है कि भैया जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे जैसे बच्चा पोरोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, घटती है। जैसे जैसे आपका यहां से मॉइस्चर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारी जैसे जैसे पोरोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे कंडक्टिविटी हमारी घट जाती है, और जैसे जैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कंडक्टिविटी क्या है, घट जाती, यहां से बढ़ जाती, सॉरी मॉइस्चर बढ़ता है पोरोसिटी के साथ घटती है, और मॉइस्चर के साथ हमारा कंडक्टिविटी पे क्या फर्क होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बाय चांस अगर आपसे कहीं से मिस्टेक हो तो इसको याद रखिएगा जनरली। अच्छा, मैं एक यहां से छोटा सा जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। दो टाइप की ब्रिक्स होती हैं, दो टाइप्स की ब्रिक होती हैं, एक रेड ब्रिक्स होती हैं, एक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। यस 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 यस, एनर्जी में ढूंढे हैं, यस। चलिए, तो मैं बेटा यहां से जस्ट थोड़ा सा आगे बात करने जा रहा हूं, मैं
थोड़ा सा आगे जस्ट बात करने जा रहा हूं, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, मैं यहां से जस्ट थोड़ा सा एक्चुअल में बात करने जा रहा हूं कि एक हमारे पास रेड ब्रिक्स होती हैं और एक हमारे पास रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। तो रेड ब्रिक्स और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में अगर हमसे यहां से जस्ट बात करें कि सर हमारी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो मुझे बताएंगे यहां से रेड ब्रिक्स और यहां से रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में आपकी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जल्दी से बताइएगा, रेड ब्रिक्स और रिफ्रैक्टरी ब्रिक में आपकी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? हमने बोला रेड ब्रिक्स जो होती हैं, अगर रेड ब्रिक की बात करेगा तो इनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, रेड ब्रिक्स में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, रेड ब्रिक्स में मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट इज मोर, ओके, रेड ब्रिक्स में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, यस मोर, यहां से एज कंपेयर टू अगर हम यहां से बात करते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में आपका मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कम होता है, इसीलिए रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को आप फर्नेस में यूज करते हो क्योंकि वहां पे आपको हीट लॉस नहीं करनी होती है, रेड ब्रिक्स को आप घरों में यूज करने होते हो क्योंकि आपको इंट्रैक्शन चाहिए होता है बाहर से, ठीक है, यस, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूज फॉर द टेम्परेचर आइसोलेशन इन द सेरेमिक, यस। तो हम यहां से जस्ट बेटा इसीलिए जस्ट बात करते हैं कि इनको हम होम सॉल्यूशन जितने भी हम बात करते हैं तो हम इनको घरों में यूज करते हैं, और अगर हम इसकी जस्ट बात करें तो इसको हम कहां यूज करते हैं बच्चा, इसको हम फर्नेस में यूज करते हैं, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी आपकी पोरोसिटी और मॉइस्चर कंटेंट का फंक्शन होती है, जो मेटल्स होते हैं मेटल्स में कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होती है बेटा, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, मेटल्स के केस में आपकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपका टेम्परेचर का फंक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम यहीं से जस्ट बात करना शुरू करें लिक्विड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में हमारा कंडक्टिविटी जो होता है दैट इज हम यहां से फॉर्मूला लेके चलते हैं ए सी रो टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाय एम टू दी पावर हमारे पास आ जाता है 1/3, ये हमारे पास लिक्विड्स का फॉर्मूला बन जाता है, और इसमें हमें यहां से साफ साफ दिखता है ए, बेटा ए हमारा एक कोलिजन कांस्टेंट होता है, देखो लिक्विड के केस में मैं बता देता हूं, इन केस ऑफ द लिक्विड्स कंडक्शन जो होता है वो जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है, और ड्यूरिंग कोलिजन जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है दैट इज कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द लिक्विड्स। इन केस ऑफ द गैसेस क्या होता है, हाई वेलोसिटी हाई टेंपरेचर मॉलिक्यूल कोलाइड विद द लो वेलोसिटी लो टेंपरेचर मॉलिक्यूल, तो ड्यूरिंग कोलिजन जो भी हीट ट्रांसफर करते हैं उसको हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं लिक्विड्स और गैसेस में। तो लिक्विड्स के केस में अगर फॉर्मूला की बच्चा बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है ये, और यहां से हमें जो ए मिल जाता है दैट इज कोलिजन कांस्टेंट, ये जो हमें यहां से मिल जाता है ये हमें कोलिजन कांस्टेंट मिलता है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है इसकी जो वैल्यू होती है वैल्यू डिपेंड्स ऑन कोलिजन वेलोसिटी, इसकी जो वैल्यू है बच्चा वो आपकी कोलिजन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो आपको बताएगा उस टाइम पे कि इसकी वैल्यू कितनी है, कोलिजन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। सी जो है वो आपको पता है अच्छे से, सी इज नथिंग इट इज स्पेसिफिक हीट, और रो आपको पता है डेंसिटी है, एम आपको पता है मॉलिकुलर वेट है, ओके एम आपको पता है मॉलिकुलर वेट है, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो के जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है बच्चा, आप यहां से देख सकते हैं सर डेंसिटी टू द पावर 4/3 का फंक्शन है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, और डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी दो चीजों का फंक्शन होती है बच्चा, एक प्रेशर का फंक्शन होती है एक टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो अगर हम यहीं से देखें तो हमने जस्ट बोला कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे आपके पास कंडक्टिविटी पर भी क्या फर्क पड़ता है बढ़ती है, और अगर जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे हमने यहां से जस्ट बोला कि डेंसिटी घटती है तो कंडक्टिविटी भी क्या होता है घटती है, ठीक है। तो आप लिक्विड्स के केस में यहां से इसको लेके सिंपल चल सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 2 मिनट का काम है, आप यहां से तुरंत बता दोगे, ठीक है। हां अगर इनकेस वो आपसे दो लिक्विड्स बता दे तो उनकी सेम कोलिजन वेलोसिटी बोल दे, दो लिक्विड है तो ऑब्वियसली हम यहां से जस्ट बोलेंगे कि K1 by K2 is equal to rho1 raised to the power 4 by 3, और यहां से आ जाएगा बच्चा M2 by M1 raised to the power कितना आ जाएगा 1/3, आप यहां से दो लिक्विड्स के लिए यूज कर पाओगे। अगर उनकी सी भी अलग अलग है तो आप यहां पे जस्ट
C1 बाई C2 भी यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर उसने यहां से बोला है कि C भी अलग अलग है तो आप उनका C1 बाई C2 दो लिक्विड्स के लिए कंपेयर कर लेंगे। कभी होता है ना कि एक लिक्विड का इस टेम्परेचर पे आपका डेंसिटी इतना है, दूसरे टेम्परेचर इतना है, तो कंडक्टिविटी सेम लिक्विड का दूसरे टेम्परेचर पे कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम पूछा है तब भी आप यहां से वेरिएशन लेके चल सकते हो, अलग अलग पूछा है तब भी आप यहां से लेके चल सकते हो, जैसा आपसे पूछेगा वैसा वैसा आप आंसर इससे कर पाओगे, बट इतना ज्यादा डिटेल में जाता नहीं है, आपसे यहां से क्वेश्चन जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम यहां से जस्ट बात करें कि हमारा सर गैसेस के केस में क्या होता है, उसके केस में भी बता दीजिए। तो गैसेस के केस में तो आसान है, आपको मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, बेटा अगर हम यहां से बात करें, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिक्विड्स आ गया, एक मिनट, हम अगर यहां से जस्ट ये हमारे पास यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे हैं, हम लोग यहां से गैसेस की बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं गैसेस के केस में। तो गैसेस के केस में कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला 1/3 और यहां से C इंटू रो इंटू एल इंटू वी ऑफ कौन सा आ जाता है बच्चा, RMS आ जाता है, तो हमें अच्छे से पता है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो आपका फंक्शन होती है, कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ RMS वेलोसिटी। और हमें अच्छे से पता है कि VRMS इज इक्वल टू कितना होता है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट का कितना होता है बच्चा, गामा RT, अंडर रूट का कितना होता है गामा RT, या अंडर रूट का आप यहां से 3 RT पढ़ के चलते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बताता हूं, रो इंटू एल इंटू वी। तो हमने यहां से जस्ट बोला कि एक्चुअल में आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट का 3 times ऑफ द गामा टाइम्स ऑफ PV या 3 PV, व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है आप ऐसा लिख सकते हैं, बट आप यहां से जस्ट बोलेंगे कि सर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, है ना, वॉल्यूम घटेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका प्रेशर घटेगा, या आप यहां पे जस्ट देख सकते हैं जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे ये जो आपका मीन फ्री पाथ है, दिस एल इज नथिंग, दिस इज मीन फ्री पाथ, तो मेन फ्री पाथ आपका कम हो जाएगा। आप देखिए ना घर के सिलेंडर जो होता है, तो अंडररूट का जो सिलेंडर होता है, बाई मॉलिक्यूलर वेट, अभी हमने यहां से नहीं लिया, ठीक है। तो अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो हम एल की बात करते हैं, एल इज नथिंग, इट इज अ मीन फ्री पाथ। तो आपने जैसे बोला सिलेंडर के अंदर गैस मैंने कंप्रेस्ड फॉर्म में भर दिया तो डेंसिटी बढ़ गई, बट मीन फ्री पाथ क्या हो गया, छोटा आ गया। तो इसी वजह से हमें क्या दिखता है कि रो जो आता है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L आ जाता है, अगर हम यहां से जस्ट रो की बात करें तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमें ये इनसे कोई लेना ही देना नहीं होता, केवल VRMS से लेना देना होता है। और अगर हम यहां से VRMS की बात करें तो VRMS जो है वो बेसिकली फंक्शन होता है बच्चा, VRMS जो है वो बेसिकली अ फंक्शन होता है किसका बच्चा, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। VRMS जो है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अच्छा, VRMS जो अगर फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो हम यहां से जस्ट बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सर VRMS जो है वो बढ़ रहा है, और VRMS बढ़ रहा है तो मतलब आपकी कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ रही है। तो गैसेस के केस में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हमने यहां से जस्ट बात करना शुरू की कि चलो ठीक है, आपने यहां से मुझे समझा दिया, मैं थोड़ा सा इसी में जस्ट बात कर ले रहा हूं। हम लोग यहां से जो बात कर रहे हैं वो गैसेस की बात कर रहे हैं, और अगर गैसेस की बात कर रहे हैं बेटा तो हमने यहीं से बोला हमारे पास कितना है, हमने यहां से जस्ट बोला के इज इक्वल टू 1/3 और सी इंटू में हमारे पास आया रो इंटू एल इंटू वी। ओके, तो हम अगर यहीं से जस्ट बच्चा देखना शुरू करें तो मुझे यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है कि चलो ठीक है, वी हमारे पास क्या है, VRMS है। अब आपसे जस्ट पूछेगा कि सेम फ्लूड की, सेम गैस की बात कर दी, फॉर द सेम गैस बेटा अगर हम यहां से जस्ट देखें, तो मैंने बोला कि VRMS एक्चुअल में अगर हम यहां से लिखें तो अंडर रूट का, अभी अभी हमने यहां से लिखा 3 RT/m या गामा RT/m की बात कर रहा है। ओके, हमारे पास ऐसा है। तो अगर हमसे सेम गैस की बात करें, तो फॉर सेम गैस, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हमारी सेम गैस अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने यहां से बोला K1/K2, सी तो उसका चेंज नहीं होने जा रहा, डेंसिटी में कोई इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, बट फिर भी आप चाहें तो ले सकते हैं C1/C2 और C1/C2 इंटू में बेटा आपके पास आ जाएगा Rho1/Rho2 और इंटू में आ जाएगा बेटा अंडर रूट का कितना आ जाएगा T1/T2 और अंडर रूट का कितना आ जाएगा M2/M1, कुछ ऐसे आ जाएगा। सेम गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट आपसे बोल सकता है
कि चेंज नहीं होगा तो इसको हटा दोगे। डेंसिटी आपसे इसमें भी बोल सकता है कि कोई भी चेंज नहीं है, स्पेसिफिक से आपसे बोल सकता है कोई भी चेंज नहीं है। तो के वन बाई के टू इज इक्वल टू आपके पास बच्चा आ जाएगा अंडर रूट का टी वन बाई टी टू। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट का आपके पास आ जाएगा यहां से टी वन बाई टी टू। इट मे बी वो आपसे बोल दे कि दो डिफरेंट गैसेस हैं, तो दो डिफरेंट गैसेस के केस में आप यहां से ले सकते हैं के वन बाई के टू, है ना। उनके सी में कोई वेरिएशन नहीं है, सी आपके लगभग लगभग सेम है, तो आप यहां से बोलेंगे इट इज इक्वल टू अंडर रूट का टी वन डिवाइडेड बाई टी टू और इनटू में कितना आ जाएगा अंडर रूट का एम टू बाई एम वन। जैसे जैसे आपसे बोलेगा, और अगर बोले कि डिफरेंट गैसेस सेम टेम्परेचर पे हैं तो कंडक्टिविटी बता दोगे, तो कंडक्टिविटी आप यहां से बता सकते हो के वन बाई के टू इज इक्वल टू अंडर रूट का कितना आ जाएगा बच्चा एम टू बाई एम वन। तो मतलब एक चीज समझिएगा कि जिस गैस का मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा उस गैस की कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। जिस गैस का मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। जैसे हम लोग यहां से जस्ट बात करते हैं, हम लोग अगर यहां से बात करें कि हमारे पास S2 है, हमारे पास N2 है, हमारे पास O2 है, हमारे पास CO2 है, हमें पता है इसका बेटा मॉलिकुलर वेट कितना, दो। इसका हमारे पास कितना है 28, इसका हमारे पास कितना है 32, इसका हमारे पास कितना है 44। तो कंडक्टिविटी हमारी कैसे हो जाएगी, सबसे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। तो आपसे इट मे भी ऐसे कंपैरिजन करवा ले, इट मे भी आपसे कंपैरिजन करवा ले कि चार से पांच गैसेस दे दे और आपसे बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इज, तो आप दो मिनट में उसको निकाल के बता दोगे कि यस दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर और दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप यहां से इसको जस्ट बता देंगे जैसे जैसे आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो हम लोग यहीं से कंडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं वन बाई वन। ये तो बेसिक वाला पार्ट था जो हमें कंडक्टिविटी के बारे में पता रहता है, तो यहां तक का पार्ट मेरे ख्याल से सबको पता होगा। मैं बहुत जल्दी तो नहीं चल रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत तेजी में भाग रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। हाँ थोड़ा सा जस्ट सेशन लेट हुआ था तो जल्दी जल्दी हम लोग चलना शुरू किए थे, तो मुझे जस्ट बता दीजिए, ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी में चल रहा हूं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है, बता दें मुझे एक बार, सब कुछ क्लियर है क्या? यस हाँ, मॉलिकुलर वेट से ही तो कर रहे हैं, सही है। ठीक है, सही है, गुड। हाँ इतना तो जरूरी है। कंडक्टिविटी बेटा मैं मॉलिकुलर वेट से ही तो चेक कर रहा हूं, किससे चेक कर रहा हूं, किससे चेक कर रहा हूं मैं, साहिल चलिए पानी पी लेता हूं मैं तब तक। चले बच्चा, तो हमने यहां से जस्ट बोला आप यहां से कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, नो इश्यू। अब बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में इन जनरल जो हमें सबसे पहले दिया जाता है दैट इज फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। और अगर फोरियर लॉ की बात करें तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास रहता है माइनस का के इंटू ए और कितना रहता है बेटा डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स रहता है। क्यू इज इक्वल टू माइनस का के इंटू ए इंटू में डी टी बाई डी एक्स। ओके ओके हाँ चलो, अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो हम यहां से सिंपल बोल सकते हैं ये तो हमारे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन द सेंस कि हमारे पास अगर कोई वॉल दी गई है तो उस वॉल में हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा। और अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहां से देखना शुरू करें तो हमें अच्छे से पता है कि वो कुछ इस टाइप की कहानी कर रहा होगा, इस टाइप की कहानी। मतलब अगर हम यहां से जस्ट देख रहे हैं बच्चा तो हमें अच्छे से पता है कि ये एरिया जो होता है वो कौन सा परपेंडिकुलर एरिया, एरिया जो आता है वो कौन सा आ जाता है बेटा परपेंडिकुलर एरिया, ध्यान से। और डी टी बाई डी एक्स जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। डी टी बाई डी एक्स जो आता है वो किस में आ जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो थोड़ा सा हमें इसी में जस्ट आइडिया मिलने लगता है कि हमने यहां से बोला कि सर दो वॉल्स हैं और दो वॉल्स के केस में आपने हीट ट्रांसफर की बात की, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो हमारा सेम ही रहेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो सेम ही रहेगा। इनके केस में अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल एनालॉगी करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनालॉगी तो हम दो मिनट में कर लेते हैं। हमने यहां से बोला कि सर हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनालॉगी करना चाह रहे हैं। अच्छा अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉगी करना चाह रहा हूं तो हमने यहां से जस्ट बोला
कि हमारे पास जो कहानी है वो कुछ इस टाइप से है, हम यहाँ से टेम्परेचर T1 से चल रहे थे और किसी टेम्परेचर T2 पे जा रहे थे, और हमें अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे हमारा Q फ्लो हो रहा है तो Q इज इक्वल टू, हम यहाँ से जस्ट सिंपल लिख देते हैं, दैट इज डेल्टा T डिवाइडेड बाई RTH। अच्छा, डेल्टा T आप याद रखेंगे कि ये T1 माइनस T2 है, डेल्टा T आप यहाँ से जस्ट याद रखेंगे कि T1 माइनस का T2 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम यहां से जस्ट कभी भी RTH की बात करते हैं तो RTH इज इक्वल टू बट्टा हमारे पास कितना आ जाता है, डेल्टा T डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाता है Q, और अगर हम यहां से पुट करते हैं इसकी Q की वैल्यू तो डेल्टा T डिवाइडेड बाई हमारे पास Q है तो माइनस का K इंटू A और इंटू आ जाता है बच्चा dt बाई dx। अच्छा, ये हमें पता है ये T1 माइनस T2, ये वाला T2 माइनस T1 है, तो माइनस के साथ ये फिनिश हो जाते हैं और हमें ऊपर मिल जाता है dx डिवाइडेड बाई हमें यहां से मिल जाता है k इंटू a, और ये dx को हम सिंपल जीरो से लेके l के बीच में लेके चलते हैं, l बाई k इंटू a हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो अगर हम यहां से रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, RTH इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ जाता है, डेल्टा T डिवाइड बाई हम यहां से लेके चलते हैं क्यू, या हम यहां से जस्ट लेके चलते हैं एल डिवाइड बाई हम यहां से लेके चलते हैं के इंटू ए। RTH is equal to delta T divided by Q, या हम यहां से लेके चलते हैं यहां से just, yes. तो हमें यहां से ये चीज बिल्कुल पता चल जाती है, एनालॉजी से हम बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। Q हम यहां से हमेशा हमेशा बोलते हैं कि सर एक्चुअल में Q इज नेवर गोइंग टू बी चेंज। तो अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो Q इज इक्वल टू हमें यहां से मिल जाता है माइनस का K इंटू ए इंटू डी टी बाई जी एक्स आ जाता है, या हम यहां से जस्ट बोल दें कि हमारे पास डेल्टा T डिवाइडेड बाई RTH आ जाता है। ओके, तो हम यहां से RTH की वैल्यू अगर डाल देते हैं तो डेल्टा T डिवाइडेड बाई हमारे पास L बाई K इंटू A आ जाता है, जिसको हम यहां से ऐसे लिख देते हैं K इंटू A इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई L आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि डेल्टा T जो है बेटा वो कितना है, T1 माइनस का T2 है। चलिए, अभी हमने यहां से जस्ट बोला कि सर इसके अलावा बेटा हमारे पास जो कहानी है वो बस ये है कि अगर मैं यहां से कोई कॉम्पोजिट वॉल ले लूं तो ऑब्वियसली हम यहां से इस कॉम्पोजिट वॉल को कुछ इस टाइप से ले सकते हैं, जिसकी यहां से कंडक्टिविटी है K1, इसकी कंडक्टिविटी है K2, ठीक है। और अगर हम यहां से जस्ट बोले इसकी लेंथ है यहां से L1, इसकी लेंथ है यहां से L2, हमने बोला कि ठीक है सर ये चीज मुझे यहां से क्लियर है, इसका टेम्परेचर यहां पे T1 है और इसका टेम्परेचर यहां पे T2 है। अब डिपेंड कर रहा है कि हमने यहां से जस्ट ऐसे ले लिया और हम यहां से ऐसे ले लेते हैं, ये हमारे पास यहां से जो टेम्परेचर आ जाता है दैट इज T इंटरफेस। तो अगर हम यहां से RTH1 की बात करें, RTH1 इज इक्वल टू L1 बाई K1 इंटू A आ जाता है, RTH2 की बात करें तो RTH2 हमारे पास यहां से कितना आता है, L2 बाई K2 इंटू A। ये तो हमारे लिए 2 मिनट का काम है सर। तो अच्छा, अगर हम यहां से जस्ट बात कर लेते हैं तो Q इज इक्वल टू हम यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस ले लें दैट इज T1 माइनस का T2 ले लें, तो यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस लेंगे दैट इज RTH1, और प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा RTH2 आ जाएगा, और अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस ले लूं दैट इज इक्वल टू T1 माइनस का T इंटरफेस डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाता है RTH1 आ जाता है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक का ले लूं दैट इज T इंटरफेस और माइनस का T2 ले लूं तो हमारे पास यहां से RTH2 आ जाता है। मतलब जहां का रेजिस्टेंस लेना, सिंपल है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज नेवर गोइंग टू बी चेंज, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपका चेंज नहीं हो रहा है, बस फर्क जो आ रहा है वो ये कि यहां से लेके यहां तक ट्रांसफर, जैसे ये दीवार है, इस दीवार में मैं यहां से हीट ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं तो अपनी हीट कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करा रहा हूं, यहां पे कितना यहां से इफेक्ट इसका दिख रहा है आके, ये हीट तो जा रहा है बट यहां पे टेम्परेचर कम बिकॉज यहां पे ये इंसुलेटिंग मटेरियल या जो भी आप लगा सकते हो, तो यहां से हमने जस्ट बोला टेम्परेचर का डाउन आता है। अब इसी पे की बेसिस पे हम लोग यहां से जस्ट बात कर लेते हैं कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट को हम लिख सकते हैं K1 इंटू में ए इंटू में dt बाई dx ऑफ वन, यहां से हमने जस्ट बोला इस टाइप से आ जाता है, इट इज इक्वल टू K2 इंटू में ए इंटू में आ जाता है हमारे पास dt और डिवाइड बाई dx ऑफ हमारे पास कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब अगर हम यहां से जस्ट बोले, हमने बोला
कंडक्टिविटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ टू। अगर हमसे यहां से जस्ट बोले बेटा एरिया तो दोनों में सेम है लगभग, अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो सेम ही ले रहे हैं। हाँ, अभी हमने यहां से बोला कंडक्टिविटी इफ के वन इज ग्रेटर देन के टू, अगर के वन ग्रेटर देन के टू है तो ऑब्वियसली फर्स्ट का जो स्लोप आएगा डी टी बाई डी एक्स ऑफ वन जो होगा वो आपका लेस देन आएगा किससे बेटा, डी टी बाई डी एक्स ऑफ टू से। अच्छा, हमने यहां से बोला कि सर कैसे, हमने ऐसे बोला कि भैया जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा वो हीट को उतनी फास्टली ट्रांसफर कर रहा होगा, मतलब यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम आ रहा होगा, जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है वो उतनी स्लोली ट्रांसफर करता है उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आता है। और इसी वजह से बच्चा हम ये लोग यहां से क्या बोल के चलते हैं कि जब हमें इंसुलेशन करना होता है तो जो सबसे लोअर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल होता है उसको सबसे अंदर रखने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम यहां से जस्ट बोले कि मैंने बोला कि हमें ये एक वॉल है जिसका यहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है, 200 डिग्री सेल्सियस है, और हम चाह रहे हैं इसका बाहर से इंट्रैक्शन ना हो, तो हम यहां से क्या करते हैं, यहां पे जो सबसे लोअर कंडक्टिविटी का मटेरियल है उसको पहले लगाते हैं, फिर उससे ऊपर वाली कंडक्टिविटी का, फिर उससे ऊपर वाली कंडक्टिविटी का, ऐसे बनाते हैं अगर हमें दो तीन मटेरियल को सेलेक्ट करना पड़ जाए तो। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमसे फायदा यह होता है कि सबसे पहले ही टेम्परेचर यहां पर गिर जाता है, फिर यहां पर थोड़ा सा गिर रहा होगा, फिर यहां पर थोड़ा सा गिर रहा होगा, अगर ये यहां पर पहले लगा देते तो पहले टेम्परेचर यहां ऐसे आता फिर ऐसे आता तो हमें उतना इफेक्ट ना मिलता। तो जब भी आपसे इंसुलेशन की बात करेगा तो इंसुलेशन के केस में जो बेटर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल होता है उसको हम बाहर लगाते हैं, जो लोअर कंडक्टिविटी वाला मटेरियल होता है उसको हम हमेशा अंदर लगाते हैं। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा यहां से जस्ट बेटा मिल जाता है कॉम्पोजिट वॉल का केस। कॉम्पोजिट वॉल में कभी कभी आपसे यहां से कॉम्पोजिट वॉल भी दे देता है। कॉम्पोजिट वॉल के अगर हम साइड में बात करें तो यहां पे कन्वेक्शन भी मिल जाता है, दैट इज टी इंफिनिटी वन, और लेट सपोज यहां का हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट दैट इज एच आई, और बाहर का हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट दैट इज एच नॉट, ओके एच नॉट। और अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो ये हमारे पास है टी वन, ये हमारे पास है टी टू, और ये हमारे पास है यहां से टी थ्री, ठीक है। तो अगर हम यहां से जस्ट देखना शुरू करें तो हमारे पास यहां से जस्ट मिल जाता है ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से, ये कन्वेक्शन है बच्चा, ये कन्वेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये अगर आप यहां से लेके चल रहे हैं तो ये दिस कैन बी लीनियर, आपका कंडक्टिविटी का एवरेज कंडक्टिविटी का वेरिएशन, इसको लीनियर नहीं लेके चलते हैं, इसको आप लीनियर लेके मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहां से पता है कि अगर आप यहां से टी इंफिनिटी टू और टी इंफिनिटी वन का डिफरेंस ले रहे हो यहां से, तो क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टी इंफिनिटी वन माइनस का टी इंफिनिटी टू डिवाइडेड बाई, यहां से जस्ट एक मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं यहां पर इसमें वॉइस आता बार बार नॉइज आ जाता है तो वो नॉइस इसको रोक देता हूं ससुरे को, है ना। यस, तो हमारे पास यहां से जस्ट टी इंफिनिटी वन और टी इंफिनिटी टू की बात कर रहा है, ये हमारे पास कैसे आ जाता है, हमने यहां से बोला कि आरटीएच पहला मिलता है बच्चा कन्वेक्शन का, आरटीएच कन्वेक्शन का प्लस का यहां से लेके यहां तक आरटीएच कंडक्शन वन, आरटीएच वन, फिर हमारे पास आरटीएच टू, और फिर हमारे पास आरटीएच ऑफ कन्वेक्शन टू, ठीक है, कन्वेक्शन टू, यहां से ऐसे मिल जाता, मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस लेते जाएंगे बस उतना ही हम यहां से रेजिस्टेंस नीचे डालते जाएंगे और हमें यहां से जो भी सॉल्यूशन है वो मिलता जाएगा। इसके बेसिस पे कभी कभी आपसे क्वेश्चन जो है वो बना के दे सकता है, इट मे बी आपको यहां से कोई भी वॉल दे दे और वो वॉल आपको इस टाइप से बना दे, इट मे बी कि आपसे यहां से कोई भी वॉल दे दे और वो वॉल आपके पास ऐसे बना दे, इट मे बी ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इट मे बी आपको यहां से वॉल बना दे, है ना, आपसे यहां से जस्ट बना दे कि एक मटेरियल आपके पास ये लगा है, है ना, एक मटेरियल आपके पास यहां से ये लगा है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, मतलब वो यहां से जस्ट बोलेगा बच्चा आपसे कि ये एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी यहां से कुछ इस टाइप से है के वन है, ये एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी के टू है, ये एक मटेरियल है जिसकी के थ्री है, ये एक मटेरियल जिसकी के फोर है, और ये एक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी के फाइव है, ऐसा मतलब बोल सकता है। इट मे बी वो आपसे यहां से बोल दे कि यहां पे पूरी की पूरी जो लेंथ है ये पूरी लेंथ एल है, ये लेंथ आपके पास एल बाई थ्री है, ये लेंथ आपके पास एल बाई थ्री है, ये भी लेंथ आपके पास एल बाई थ्री है, ये यहां से आपके पास फर्स्ट की बात कर रहा है, कोई भी विड्थ यहां से दे देगा, ये हमारे पास L1 है, दिस इज योर L2 एंड दिस इज योर L3, व्हाटएवर जो भी आपसे यहां से बात करेगा। तो अब आप यहां से जस्ट बोलोगे कि सर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये हमें यहां से जस्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसका जस्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप यहां से जस्ट बोलोगे कि मुझे रेजिस्टेंस, सबसे पहले ये तीनों के तीनों, ये इसका एक ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, यहां से फर्स्ट,
फर्स्ट आपके पास ऐसे आया, फिर बाकी के तीन जो होंगे बेटा वो आपके पास पैरेलल में होंगे, बाकी के जो तीन होंगे वो आपके पास पैरेलल में होंगे, और इनके बाद हमें यहां से जस्ट मिलेगा एक, यहां से इस टाइप से मिलेगा सीरीज में। ओके, तो अगर हम यहां से जस्ट बात करें, यहां से अगर हम जस्ट बात करना शुरू करें तो फर्स्ट का तो बिल्कुल क्लियर है कि ये एल वन बाई के वन मिल जाएगा। सेकंड का अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें के वन इंटू पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो हमारे पास ये एल टू डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना मिल जाएगा बेटा, ये वाला फर्स्ट की बात कर रहा हूं यहां से K3, और इनटू में एरिया डिवाइड बाय 3 मिलेगा, थर्ड पार्ट ऑफ द एरिया, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, K3 ये वाला, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास L2 डिवाइडेड बाय K2 और एरिया डिवाइड बाय 3 मिल जाएगा, और L3 डिवाइडेड बाय K3 और एरिया डिवाइड बाय यहां से 3 मिल जाएगा। दिस इज आपके पास यहां से मिल जाएगा L3 डिवाइड बाय K5 और इनटू में एरिया मिल जाएगा, ध्यान रखना बस इतना ही हमें यहां, पर यूनिट एरिया भी है तब भी इसको यहां से 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना है, बस इतना ही करना है ना। इन तीनों को आप यहां से सॉल्व कर सकते हो तो आप इसका एक ओवरऑल कंडक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दैट इज आप यहां से L2 डिवाइडेड बाई कुछ इस टाइप से निकाल सकते हो कि हाँ एक मिनट, यहां से जस्ट आप यहां से निकाल सकते हो 1 बाई ओवरऑल रेजिस्टेंस दैट इज RTH 2 is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, यहां से आ जाएगा इन तीनों का सम, यहां से इसका सम प्लस का इसका सम, ये ऐड कर दोगे और फिर उसके बाद यहां से RTH 2 निकाल के यहां से RTH टोटल जो आ जाएगा दैट इज RTH 1 प्लस का बीच वाला RTH 2 और प्लस का बीच लास्ट वाला RTH 3, ऐसे आप सॉल्व कर जाओगे, है ना। तो 2 मिनट लगेगा आपको ऐसा करने में, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करने की जरूरत कर समझता है कि नहीं मैं परेशान कर सकता हूं तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास जो आ रहा है दैट इज ऑन कंडक्शन, और थोड़ा सा आगे जस्ट बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं इसी में बेटा, जब हम यहां से बात करना शुरू करते हैं तो कंडक्शन में ही अभी हमने यहां से वॉल की केस की बात की, सिमिलरली हमारे पास आ जाता है किसका, सिलेंडर का केस, और सिमिलरली हमारे पास आ जाता है स्फीयर का केस। तो अगर हम यहां से जस्ट बात करें कि हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर का केस है, लेट सपोज हमारे पास जो बात कर रहा है वो एक सिलेंडर का केस है बच्चा, है ना। अगर हमारे पास एक सिलेंडर का केस है सो दिस इज लाइक अ सिलेंडर, ये यहां से ऐसे दिया गया है, ये यहां से ऐसे दिया गया है, इट इज लाइक दिस। अच्छा, मुझे यहां से जस्ट एक चीज बता दो, हमने यहां से जस्ट बोला कि ये हमारे पास कुछ इस टाइप से सिलेंडर है, और लेट सपोज ये एक कॉम्पोजिट सिलेंडर है, लेट सपोज यहां से ये एक कॉम्पोजिट सिलेंडर है, आपको विजिबल नहीं होगा बट मैं आपको करा दूंगा विजिबल, ठीक है। ये यहां से एक कॉम्पोजिट सिलेंडर है, इट इज लाइक दिस, ये हमारे पास ऐसे आ गया, दिस इज लाइक दिस, ओके। अच्छा, जो कॉम्पोजिट सिलेंडर है तो हमने यहां से बोला कि इसका एक मटेरियल होगा दैट इज के वन, इसकी कंडक्टिविटी कुछ होगी के टू, अंदर कोई फ्लूड बह रहा है जिसका हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट होगा एच वन, और बाहर कोई फ्लूड बह रहा है जिसका हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट होगा एस टू। अंदर वाले फ्लूड का बेटा जो टेम्परेचर होगा वो होगा टी वन, और यहां पे जो ये सरफेस होगा इसका टेम्परेचर होगा टी टू, इस सरफेस का टेम्परेचर होगा टी थ्री, इस सरफेस का टेम्परेचर होगा टी फोर, बाहर का टेम्परेचर होगा टी फाइव, कुछ इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। हमने यहां से जस्ट बोला इसकी रेडियस होगी सर आर वन, इसकी रेडियस होगी सर आर टू, और यहां से बच्चा इसकी जो रेडियस होगी दैट इज आर थ्री, ठीक है। हाँ, अच्छा क्रिटिकल थिकनेस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा देना, यस 2 मिनट रुक जाओ, पहले इस पे आते हैं। ये बच्चा हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाता है। अब हमने यहां से जस्ट बोला कि हम पूरा का पूरा एक ही साथ कंबाइन कर ले रहे हैं, हमने बोला कि हमारे पास एक ही फंडा है, एक ही फंडा है दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर टी एच होता है, कंपाउंड है तो सिग्मा आर टी एच ले लेंगे, मतलब सारे के सारे आर टी एच को एड कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, हमने यहां से जस्ट बोला कि डेल्टा टी अगर मैं यहां से टी वन से लेके बाहर तक का ले लू टी फाइव, बाहर तक का ले लू टी फाइव, तो हमें यहां से पता है कि आर टी एच ऑफ द सिलेंडर हमें अच्छे से पता होना चाहिए, आर टी एच ऑफ द सिलेंडर सर अगर हमें यहां से पता हो कि क्या होता है, RTH ऑफ द सिलेंडर अगर हमसे यहां से पूछे कि क्या होता है तो हम यहां से जस्ट बोलेंगे सिलेंडर के केस में हमारा कितना आता बेटा ln ऑफ R2 डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय 2 पाई K into L। अच्छा कैसे निकाला था, हमने बोला कि कुछ नहीं, हमने यहां से जस्ट सर्किट बनाया था, सर्किट में से फिर कंपेयर किया था, कंपेयर करके मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता होगा, मैं बार बार नहीं करूंगा इसको, है ना। तो हमने यहां से T1 से T5 लिया तो फर्स्ट बच्चा हमें यहां से ये रेजिस्टेंस मिलेगा,
फिर हमने यहां से जस्ट बोला कि हमारे पास यहां से ये रेजिस्टेंस मतलब RTH पहला जो मिलेगा वो कन्वेक्शन का मिलेगा, कन्वेक्शन वन, फिर दूसरा वाला हमें जो मिलेगा वो कंडक्शन मिलेगा, RTH ऑफ कंडक्शन है ना वन प्लस का RTH ऑफ कंडक्शन टू, RTH ऑफ कंडक्शन टू और प्लस का बेटा RTH ऑफ कन्वेक्शन टू है ना, ऐसे मिलेगा। तो हमने बोला कि कैसे करेंगे, गुड आफ्टरनून है ना, तो हमने बोला कैसे करेंगे, लिख दीजिए T1 माइनस का T5 डिवाइडेड बाय, अगर हम यहां से बोलेंगे बेटा कन्वेक्शन तो 1 बाय हमारे पास कितना आ जाएगा H1 इनटू एरिया 1 है ना, एरिया 1 मतलब इनसाइड एरिया AI की बात कर रहा है। फिर हमने यहां से बोला नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट की हमारे पास कितना आ जाएगा LN ऑफ, यहां से बच्चा हम लोग बात करेंगे ये हमारे पास R2 डिवाइड बाई R1 है और यहां से मिल जाएगा 2 पाई और इनटू में K1 इनटू L प्लस का LN ऑफ R3 बाई R2 है डिवाइड बाई 2 पाई K3 इंटू एल है और प्लस का 1 बाई H2 और इंटू में हमारे पास कितना है बाहर वाला एरिया A0, ऐसे निकाल देंगे। अच्छा अच्छा हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे हैं AI की, अगर बात कर रहे हैं तो 2 पाई और RI इंटू में कितना हो जाएगा L हो जाएगा, A0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 पाई R0 इंटू में L हो जाएगा। ठीक है, AI और A0 की अगर हम यहां से बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा और सिलेंडर का केस हम यहां से बहुत आराम से सॉल्व कर जाएंगे। 2 मिनट का काम है, अब यहां से कैसा भी इट में भी एक बार कॉम्पोजिशन दे दे, इट में भी 2 बार कॉम्पोजिट करवा दे, इट में भी 3 बार कॉम्पोजिट करवा दे, तो आप यहां से तुरंत कॉम्पोजिट सिलेंडर का जो केस है उसको 2 मिनट में आप बता सकते हैं। तो आप भूल मत जाइएगा कि हाँ कैसे करते हैं। इसी में अगर स्फीयर का केस पूछ दे तो स्फीयर का केस तो हमें अच्छे से पता है, हमने यहां से जस्ट बोला कि स्फीयर के केस में भी सेम ही काम करना है, ये हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये इसके पास कोई इंसुलेशन है, लेट सपोज ये हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारे पास कोई इंसुलेशन है, तो हमने यहां से जस्ट बोला कि चलो ठीक है ये बात हमें यहां से समझ में आ रही, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R3, ओके R1, R2, R3 की हमसे बात कर रहा है, तो हमें अच्छे से पता है कि बेटा हमारा जो Q आ जाता है वो डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH आता है और RTH की अगर हम यहां से बात करें तो डेल्टा T डिवाइडेड बाय मतलब हमने यहां से बोला T1 और यहां से हमारे पास आ गया T3। ठीक है, हमारे पास यहां से कोई भी आ गया T1, ये आ गया T2, ओके यहां से आ गया T3, ये आ गया T4 और ये आ गया हमारे पास T5। अब हमने यहां से जस्ट बोला अंदर वाला बच्चा कितना होगा, अंदर वाला अगर हम यहां से बात करें तो 1 बाई H1 अंदर का H1 इनटू में इनसाइड एरिया AI प्लस का अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें कंडक्शन रेजिस्टेंस तो कितना होता है बेटा, यहां से होता है 4 पाई के सॉरी यहां से बेटा हमारे पास मिलेगा R2 माइनस का R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के R1 R2 प्लस का R3 माइनस का R2 डिवाइडेड बाई 4 पाई के R2 R3 और प्लस का बच्चा हमें यहीं से मिल जाता है 1 बाई H0 इनटू एरिया, H0 इनटू एरिया। और इसी वजह से जब आप यहां से देखते हैं तो जब वॉल आती है, यस आकाश ने बता दिया है, तो हमने यहां से जस्ट बोला कि H0 एरिया आउटनोट की आउटर एरिया की बात करें तो 4 पाई R0 इन R0 स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला जो आ जाएगा वो 4 पाई RI स्क्वायर आ जाएगा। और इसी वजह से हम जब यहां से देखते हैं कि हमारा जो भी स्फेरिकल सरफेस है उस स्फेरिकल सरफेस में हम हीट ट्रांसफर निकाल देते हैं कुछ इस टाइप से, और जब भी आपसे बात करता है तो वॉल के केस में जो आपके पास वेरिएशन आता है टेम्परेचर का जो वेरिएशन आता है वो लीनियर आता है, वॉल के केस में टेम्परेचर वेरिएशन लीनियर आता है, सिलेंडर के केस में जब भी वो टेम्परेचर का वेरिएशन देता है बेटा तो आपका लॉगरिथमिक आता है। ध्यान करिए, आपको अभी अभी जस्ट मिला था रेजिस्टेंस जो मिला था वो LN ऑफ R2 बाई R1 डिवाइड बाई 2 पाई K2 इनटू L मिला था और इसके केस में ये जो मिलता है वो मिल जाता है R3 माइनस का R2 डिवाइडेड बाई R3 इनटू R2, तो ये कुछ इस टाइप से मिल जाता है 1 बाई R2 और माइनस का 1 बाई R3, दैट इज अ हाइपरबोलिक वेरिएशन। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रखेंगे ये चीज, ठीक है, कि अगर वॉल दिया गया है तो वेरिएशन आपका लीनियर, अगर सिलेंडर दिया गया है तो लॉगरिथमिक, और अगर आपका यहां से स्फीयर दिया गया है तो पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा आपको। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हाँ सर पैरा, इसी वजह से आप ध्यान करो कि जब हीट एक्सचेंजर आता है
तो हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब्स होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं, और हीट एक्सचेंजर की जब ट्यूब सिलिंड्रिकल आती हैं तो वहां पे जब हम एलएमटीडी निकालते हैं तो एलएमटीडी हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एवरेज ले लेते हैं, लॉगरिथमिक मीन निकालते हैं, क्योंकि सिलेंडर में जो वेरिएशन आता है वो लॉगरिथमिक आता है, तो हम वहां पर एलएमटीडी हमेशा लॉगरिथमिक निकालते हैं। ये इंटरव्यू में पूछ लेता है कि एलएमटीडी में लॉगरिथमिक क्यों लेते हैं, है ना, आप डायरेक्टली एवरेज लेके क्यों नहीं चलते हैं, तो आप वहां पर बोलेंगे टेम्परेचर का वेरिएशन ही लॉगरिथमिक है तो हम डायरेक्टली कैसे कर देंगे। ठीक है, आप यहां से ये चीज बता सकते हैं। ये तीन चीजें हैं बेटा, तीन आपसे पूछ लेता है। अब बात यहां से आती है कि इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है जो बहुत ही ज्यादा घनघोर टाइप का इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जो घनघोर टाइप से इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब यहां से अगर मैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की बात करना शुरू करूं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। मेरे ख्याल से ये चीज तो सबको पता होती है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की अगर हम यहां से बात करें तो RC इज इक्वल टू, हम यहां से लिख देते हैं K/H। दिस इज फॉर सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। अच्छा, RC इज इक्वल टू अगर हम यहां से जस्ट बात करें 2K/H एंड दिस इज फॉर स्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है स्फीयर के लिए। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज हमें यहां से पता होनी चाहिए। अगर हम यहां से जस्ट बेटा मतलब की ही बात करें कि हाँ हमें इसका मतलब देखना है, या अगर हम यहां से जस्ट इसके बारे में देखना चाह रहे हैं, तो यस वी कैन सिंपली जस्ट, क्रिटिकल रेडियस क्या होती है, क्रिटिकल रेडियस एक्चुअल में हमारी वो रेडियस होती है जहां पे हीट ट्रांसफर रेट हमारा मैक्सिमम होता है। द रेडियस, या मैं बोलूं द इमेजिनरी रेडियस एट विच द हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम इज नोन एज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो हमने अगर यहां से जस्ट बात की कि मेरे पास वो इमेजिनरी रेडियस की बात करता है जिस पे हीट ट्रांसफर आपका मैक्सिमम होता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यस, तो हमने यहां से जस्ट बच्चा बोला कि अब मुझे एक चीज बता दो। अब अगर हम यहां से जस्ट एक बात करना शुरू करें, लेट सपोज हमारे पास ये आउटर रेडियस कुछ भी दी गई है, तो हम बहुत आराम से बोल देते हैं, दो चीजें इसमें पूछ लेता है इन जनरल। हमने यहां से बोला कि अगर मुझसे बात करें फॉर स्टीम कैरिंग पाइप, है ना, अगर हमसे यहां से बात कर दे फॉर स्टीम कैरिंग पाइप, अगर हमसे स्टीम कैरिंग पाइप की बात करेगा तो स्टीम कैरिंग पाइप के केस में हमने बोला क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जो होती है वो रेडियस है जो हमारी मैक्सिमम हीट ट्रांसफर देती है। तो बच्चा हमने यहां से जस्ट देखा कि ये हमारा कोई पाइप है जो स्टीम लेके जा रहा है, लेट ये जो है वो पाइप की थिकनेस है, यहां से हमने ऐसे जस्ट देख लिया ये पाइप की हमारी थिकनेस है। अब हमने यहां से जैसे ही देखा कि हमें क्रिटिकल रेडियस निकालनी पड़ेगी, हमने बोला, हमसे बोला कि पाइप जो है उसके इंसुलेशन करना है, तो हमने बोला कि अगर मैं क्रिटिकल रेडियस निकालूंगा तो मैं K/H का फॉर्मूला लगाऊंगा, और K/H जब निकाला, लेट सपोज ये रेडियस जो थी वो R1 थी, ये रेडियस जो थी वो R2 थी, और जो क्रिटिकल रेडियस आ गई वो कुछ यहां पे आ गई बच्चा, है ना, क्रिटिकल रेडियस जो थी वो यहां पे आ गई। मतलब हमने यहां से बोला, होता क्या है कि जैसे जैसे हम यहां से इंसुलेशन करना शुरू करते हैं तो अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, बढ़ता जाता है। तो आपसे पूछेगा कि स्टीम कैरिंग पाइप के केस में क्या आपको इंसुलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप उससे पूछोगे कि आप मुझे पहले यह बताओ, पाइप की जो आउटर रेडियस है क्या वो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज्यादा है। अगर पाइप की आउटर रेडियस लेट सपोज यहां होती तो हमें अच्छे से पता था कि इसके ऊपर अगर आप इंसुलेशन करते तो डायरेक्टली वो हीट ट्रांसफर को घटा देता। तो हमें यहां से ये चीज पता होती है कि अगर हमसे बच्चा स्टीम कैरिंग पाइप की बात कर लेता है तो स्टीम कैरिंग पाइप के केस में ध्यान रखना है ये चीज। हमने यहां से बोला, लेट सपोज मैं एक जस्ट क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, ये आउटर रेडियस, ये इनर रेडियस। अगर हमारी क्रिटिकल रेडियस, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिटिकल रेडियस आउटर रेडियस से कम है तो यस, तब हम क्रिटिकल रेडियस के ऊपर इंसुलेशन अगर करेंगे तो डायरेक्टली हीट को रिड्यूस करेगा, और हम तो इंसुलेशन इसके ऊपर करने जा रहे हैं, तो हम एकदम से हैप्पी हो जाएंगे, यस वी कैन डू द इंसुलेशन। आप यहां से जस्ट बोल देंगे यस इंसुलेशन कैन बी डन। ठीक है, आप यहां से बोलेंगे इंसुलेशन जो है इट कैन बी डन, इंसुलेशन कैन बी डन। ओके,
ये हमारे पास है कि इंसुलेशन आपका यहां से किया जा सकता है। इनकेस अगर बोल दे कि आपकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ज्यादा है आउटर रेडियस से, मतलब आपकी क्रिटिकल रेडियस यहां पड़ गई, तो बेटा जब तक क्रिटिकल रेडियस तक इंसुलेट करके पहुंचोगे तब तक तो आप बर्बाद हो चुके होगे, आपका पूरा का पूरा हीट जो है वो लॉस हो चुका होगा। तो आप यहां से जस्ट बोलोगे नहीं, इससे अच्छा ये है कि आप इंसुलेशन मत करो, जैसा काम चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं कि तो आपकी स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगी। ये स्टीम कैरिंग पाइप का केस है। सिमिलरली आपके पास एक और केस इसी में पूछ लेता है, आपका करंट कैरिंग वायर्स का केस। अच्छा, करंट कैरिंग वायर का केस क्या होता है? स्टीम कैरिंग पाइप का मेन एम होता है कि स्टीम को स्टीम फॉर्म में ट्रांसफर करना है ना, तो आपको यहां से बात करते हैं, इसका मेन एम होता है टू प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर, ठीक है, टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर। अच्छा, अगर हम करंट कैरिंग वायर की बात करें तो करंट कैरिंग वायर का मेन एम होता है कि भैया जितने भी वायर हैं उनकी जो भी उसमें जो भी हमारे पास यहां से हीट हो रही है, जो भी हीटिंग हो रही है, मतलब करंट ले जाना है, हीट थोड़ा ले जानी है। तभी आपने देखा कुछ वायर पिघल जाते हैं, उसका रीजन यही है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। तो मेन इनका एम जो रहता है वो ये रहता है कि टू ट्रांसफर द हीट, इनका मेन एम रहता है टू ट्रांसफर द हीट एंड टू सप्लाई द करंट, है ना, एंड टू सप्लाई करंट। तो हमें यहां से पता चलता है कि भैया यहां से करंट को सप्लाई करना है, टू सप्लाई द करंट। अच्छा, अगर मुझे करंट सप्लाई करना है तो हमने यहां से जस्ट देखना शुरू किया कि भैया अगर इसके केस में हमसे यहां से मिला कुछ इस टाइप से कहानी, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहां से जस्ट बोला कि अगर हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कहीं यहां पड़ गया, मतलब आरसी अगर हमारा बेटा ज्यादा है आउटर रेडियस से, आरसी अगर हमारा ज्यादा है आउटर रेडियस से, तो मतलब आरसी तक जब पहुंचोगे तो हमारी हीट ट्रांसफर बढ़ेगी, तो हमारी हीट ट्रांसफर बढ़ेगी, तो आप बोलोगे यस इंसुलेशन आप कर दीजिए। लेकिन अगर आपका यहां से आरसी कम हो गया, आर नॉट ज्यादा है, तो हीट ट्रांसफर घटेगी, तो आप यहां से बोलोगे इंसुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन आपका श्योर शॉट आता है, ध्यान रखिएगा। स्टीम कैरिंग पाइप पे क्वेश्चन पूछ लेगा या आपका करंट कैरिंग वायर पे पूछ लेगा। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकालेंगे, स्टीम कैरिंग पाइप के केस में आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल अगर ज्यादा है तो क्रिटिकल तक पहुंचने में बर्बाद हो जाओगे, इसलिए आपको क्रिटिकल ज्यादा है तो इंसुलेशन नहीं करना है। करंट के केस में जस्ट उल्टा है, करंट कैरिंग वायर के केस में जस्ट उल्टा है, ऐसा आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। और अगर ग्राफिकली कि जस्ट बात करें तो ग्राफिकली तो आप दो मिनट में उसको बता दोगे कि सर ग्राफिकली में कुछ है ही नहीं ऐसा, जिसके लिए आप मुझे बोलो, मुझे आप ब्लेम मत करिए, है ना। हमने यहां से बोला कि आरसी वो होती है जिस पे हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होती है, आरसी वो होती है जिस पर रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। तो जहां हीट ट्रांसफर मिनिमम, जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम, दिस इज योर आरटीएच और दिस इज योर हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो आरसी आपकी जस्ट वो होती है जो आपका जहां पर रेजिस्टेंस आपका मिनिमम होता है, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बच्चा आपसे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की बात करता है, तो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कुछ नहीं होती है। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अगर आप यहां से टीसी निकालना चाहेंगे तो ये आर नॉट माइनस का आरसी बात कर देते हैं, या हम यहां से जस्ट इसको बाहर करें, आरसी को अगर हम यहां से बाहर ले लें तो आरसी माइनस का आर नॉट लेके चलते हैं। टीसी इज इक्वल टू आरसी माइनस का कितना, आर नॉट, कि हाँ ये क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है, ठीक है। तो चाहे वो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोले तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन से बाहर वाली जो आउटर रेडियस है उसको माइनस कर दीजिएगा, आपको क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन मिल जाएगा, क्लियर। डाया से माइनस करेंगे तो डिवाइड बाई टू कर दीजिएगा, आपको यहां से मिल जाएगा, बिकॉज आप यहां से दोनों साइड से जस्ट बात करेंगे, इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का माइनस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहां से जस्ट ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहां से जस्ट बेटा बात करते हैं, ये हमारे पास कंडक्शन में एक स्टेडी स्टेट वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा और बात करें तो इसमें एक जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन बनती है। तो जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन हमारे पास कितनी बनती है, एक डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, हमारे पास यहां से कितना बन जाता है बेटा, हम यहां से जस्ट कुछ इस टाइप से लेके चलते हैं के डेल्टी ओवर डेल एक्स, डेल्टी ओवर डेल एक्स, ये एक्स डायरेक्शन की जस्ट बात करता प्लस का, डेल ओवर डेल वाई ऑफ, हमारे पास यहां से मिल जाता के डेल्टी ओवर डेल वाई, और यहां से मिल जाता प्लस का डेल ओवर डेल जेड ऑफ, यहां से जस्ट मिल जाता है के डेल्टी ओवर डेल जेड, कुछ इस टाइप से हमारे पास कहानी मिल जाती है, डेल्टी ओवर डेल जेड, और प्लस का बेटा हमारे पास यहां से मिल जाता क्यू जनरेशन, क्यू जनरेशन इट इज इक्वल टू हमारे पास यहां से जस्ट मिल जाता है
ये बेटा हमारे पास डेल टी ओवर डेल टी मिलता है, डेल टी ओवर डेल टी मिलता है यहाँ से कुछ इस टाइप से, और ये हमारे पास यहाँ से मिल जाता है दैट इज रो सी पी, रो इंटू सी पी, ठीक है, रो इंटू सी लिख लेते हैं, कुछ इस टाइप से ये फॉर्मूला मिलता है। इसी फॉर्मूले में बच्चा अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जस्ट देखना शुरू करें तो ये हमारे पास मिलती है दिस इज योर जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन, ये हमारी जो इक्वेशन है दिस इज फॉर जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज योर जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन। अब हमने यहां से बोला कि सर अगर ये जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन है तो इसमें कंडक्टिविटी को वेरिएशन नहीं लेते, हमने बोला कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रही है, मतलब मटेरियल आपका कैसा हो गया, आइसोट्रॉपिक हो गया, और अगर आइसोट्रॉपिक हो गया तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है दैट इज डेल टी टी डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू प्लस का डेल टू टी डिवाइडेड बाई डेल वाई टू और प्लस का डेल टू टी डिवाइडेड बाई डेल जेड टू, यहाँ से डेल टू टी डिवाइडेड बाई डेल जेड टू प्लस का हमारे पास यहाँ से बन जाता है क्यू जनरेशन डिवाइड बाई के, इट इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है रो इंटू सी डिवाइड बाई के और इंटू बन जाता है डेल टी ओवर डेल टी, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से कहानी बन जाती है। अच्छा हम यहाँ से जस्ट मिलते हैं ये रो सी बाई के को हम यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं वन बाई अल्फा और इंटू डेल टी ओवर डेल टी, अल्फा हमारे पास जो मिल जाती है वो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी मिल जाती है, अल्फा जो हमारे पास मिलता है वो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी मिल जाती है, दिस इज द जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये जनरलाइज कंडक्शन इक्वेशन आ जाती है बेटा आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए। अच्छा इसी आइसोट्रॉपिक मटेरियल में अगर हम यहीं से जस्ट बेटा बात करना शुरू करें तो मुझे यहीं से जस्ट अगर बोल देते अगर 2D है तो 2D के लिए ये थर्ड डायमेंशन फिनिश, अगर 1D है तो ये वाला फिनिश, इन केस विदाउट हीट जनरेशन बोल रहा है तो ये वाला फिनिश, इन केस स्टेडी फ्लो बोल देगा तो ये वाला फिनिश, समझ पा रहे होंगे, ये वही इक्वेशन है आपको आपको फिर से यस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हिंदी में बुक बताओ बेटा, कल भी आपने पूछा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हिंदी में, मैं मतलब टीचर किस चीज का हूं प्लीज उस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। इधर देखो हमने यहां से जस्ट बच्चा बोला था, हमने जस्ट यहां से बोला था कि हमारे पास अगर 2D की बात कर रहा है ये वाला पार्ट खत्म कर दो, हमसे 1D की बात कर रहा है ये दोनों को खत्म कर दो, हमसे जनरेशन की बात कर रहा है तो ठीक है विदाउट जनरेशन बोला तो ये वाला पार्ट खत्म कर दो, और अगर हमसे अनस्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो ये वाला पार्ट खत्म कर दो, क्लियर है। तो हम यहां से जस्ट अगर बात करना शुरू करें, इन जनरल आपसे जब भी बात करता है तो 1D की बात करता है तो डेल टू टी डिवाइडेड बाई आपके पास डेल एक्स टू आ जाता है और प्लस का क्यू जनरेशन बाई के आता है ना, क्यू जनरेशन बाई के आता है, इट इज इक्वल टू वन बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी आ जाता है एंड दिस अल्फा इज नॉन एज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, अल्फा इज नथिंग दिस इज नॉन एज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहां से जस्ट बोला इट इज नथिंग इट इज के बाई रो सी पी, के बाई रो सी पी, देखने में हमें यहां से अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मिलता है, अल्फा यस यस के जो है अल्फा की अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा हमें यहां से क्या मिल जाता है के मिल जाता है। अच्छा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर हमें यहां से के मिलता है तो हम यहां से जस्ट ऐसा नहीं लिख सकते, अल्फा ऑफ लिक्विड की अगर आपसे बात करें अल्फा ऑफ द लिक्विड कैन बी लेस देन अल्फा ऑफ द गैसेस एंड अल्फा ऑफ द गैसेस कैन बी लेस देन अल्फा ऑफ द लिक्विड कैन बी आपके पास अगर जस्ट बात करेगा ग्रेटर देन अल्फा ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है अल्फा ऑफ द लिक्विड्स, ध्यान दीजिएगा अल्फा का वही काम है जो काइनामेटिक विस्कोसिटी का फ्लूइड्स में, ठीक है अल्फा का वही काम है जो काइनामेटिक विस्कोसिटी का फ्लूइड में हुआ करता था, वो अल्फा का थर्मो में काम है, मतलब अल्फा आपको एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताता है, अल्फा आपको एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बताता है, एनर्जी ट्रांसफर इन द सेंस कि अगर आपने यहां से जस्ट बोला कि हमारा मॉलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर ये लेयर बाय लेयर जो फ्लो हो रहा है तो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा वो अल्फा बताएगा, जिसका अल्फा जितना ज्यादा उसकी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस उतनी ज्यादा, जिसका न्यू जितना ज्यादा हुआ करता था उसकी आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा हुआ करती थी, सिमिलरली वही काम आपको अल्फा बता देता है। और जनरली अगर आपसे जस्ट पता करना हो तो आप ये भी बोल सकते हो, ऐसे भी जस्ट बोल सकते हो कंडक्टिविटी, लिक्विड्स जो होते हैं वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, के ऑफ द वाटर आपको पता होना चाहिए 0.69 वाट पर मीटर केल्विन और के ऑफ एयर आपको पता होना चाहिए दैट इज 0.21 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है 0.21 वाट पर मीटर केल्विन, तो आप इसको यहां से जस्ट यस 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 बताइए 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 पूछते जाइए सर दोनों बार लिक्विड ही लिखा था, अच्छा दोनों बार हाँ देखो ना, अच्छा ये आपके पास यहां से गैस आ जाएगा,
ये आपके पास यहां से गैस आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बोला सही होगा। तो हमने यहां से बोला कि अल्फा ऑफ द लिक्विड इज लेस देन अल्फा ऑफ द गैसेस, अल्फा ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ द गैसेस, बस इसको हम लोग यहां से लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कहानी है, अगर हम यहां से वॉल की बात करेंगे, यस ओके, गैस होगा मैंने लिख दिया बच्चा, है ना, मैं गैस होगा, अल्फा आपका कुछ भी हो सकता है, अल्फा आपका ग्रेटर हो सकता है, अल्फा आपका लेसर हो सकता है, गलती मत करिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, और नहीं भरोसा हो तो आप यहां से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इट कैन बी ग्रेटर, इट कैन बी लेसर, ऑन एनीथिंग इट कैन बी पॉसिबल, तो आप यहां से इसको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहीं से जस्ट बेटा बात करना शुरू करें, ये हमारा आ जाता है किसके केस में, वॉल के केस में। अगर हमसे यहां से सिलेंडर की बात करेगा तो सिलेंडर के केस में हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन आती है डेल टू टी डिवाइडेड बाई डेल एक्स टू, मैं तीनों लिख देता हूं, ये हमारी वॉल की इक्वेशन है, क्यू जनरेशन डिवाइड बाई के, इट इज इक्वल टू वन बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी, ये हमारी वॉल की इक्वेशन है। सिलेंडर की अगर हम यहां से बात करें तो सिलेंडर के केस में बेटा हमारे पास इक्वेशन आती है, कितना आ जाता है बेटा, वन बाई आर, और यहां से डेल ओवर डेल आर, और यहां से आ जाता है आर डेल टी ओवर डेल आर, आर डेल टी ओवर डेल आर, प्लस का क्यू जनरेशन बाई के, और प्लस का आपके पास कितना आ जाता है, वन बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां से स्फीयर की बात करें तो 1 बाई आर विल बी रिप्लेस बाई 1 बाई आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, बस आर रिप्लेस हो जाएगा आर स्क्वायर से, बाकी हमें कोई भी कहानी नहीं बदल सकती, हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्लस का क्यू जनरेशन डिवाइड बाई के, इट इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल टी, ठीक है, डेल टी ओवर डेल टी, ये तीन इक्वेशन है। आप यहां से तीनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन जनरल वो आपसे स्टडी फ्लो की बात करेगा तो आप यहां से उसको स्टडी फ्लो बता दीजिएगा, है ना। हाँ गैस, यस गैस होगा, नीचे वाले में मैंने गैस कर दिया था। ये तीन इक्वेशन आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डेल टू टी ओवर डेल एक्स टू, ये वाला हमारा वॉल के लिए, ये सिलेंडर के लिए। हाँ अगर विदाउट हीट जनरेशन बोल देगा और स्टडी फ्लो बोल देगा तो केवल इतना बचेगा। इसको कभी कभी पे आपको ऐसे भी मिल जाता है, ये वाली इक्वेशन आपके पास ऐसे भी मिल जाते हैं, डेल टू टी डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाता है, दस बचा अगर हम यहां से बात करते हैं, डेल टू टी डिवाइडेड बाई हमारे पास डेल आर टू, प्लस का वन बाई आर डेल टी ओवर डेल आर, डेल टी ओवर डेल आर, प्लस का क्यू जनरेशन बाई के, क्यू जनरेशन बाई के, इट इज इक्वल टू हमारे पास वन बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल टी आ जाता है ना। और अगर आप सिलेंडर के बारे में लिखेंगे तो यही इक्वेशन चेंज होकर स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में क्या आ जाएगा, डेल टू टी ओवर डेल आर टू, मैंने कुछ नहीं ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया बच्चा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का टू बाई आर, ये जस्ट जो यहां पे था यहां पे टू से रिप्लेस हो जाता है डेल टी ओवर डेल आर, और प्लस का क्यू जनरेशन बाई के, और इट इज इक्वल टू हमारे पास बच्चा कितना आ जाएगा, वन बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल टी, बस हो गया खत्म, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो आपके पास ये जो कहानी है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। तो ये तीन के तीनों इक्वेशन आपको अच्छे से याद रहे, इन पे इन जनरल, यस वन डी के लिए है ना, हाँ वन डी के लिए, थ्री डी के लिए नहीं पूछता है गेट में, मैं बोल रहा हूँ थ्री डी के लिए नहीं पूछता है, जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहां से जस्ट बढ़ा लो, यहां से अगर जस्ट बढ़ाओगे तो ये आपके पास यहां से आ जाएगा वन बाई आर डेल टू टी डिवाइडेड बाई डेल थीटा टू, है ना, यहां से डेल टू टी डिवाइड वन बाई आर स्क्वायर डेल टू टी डिवाइड बाई डेल थीटा टू, प्लस का डेल टू जेड डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से डेल टू टी डिवाइडेड बाई डेल जेड टू, है ना, यहां से बढ़ा दो, वो नहीं पूछता है इसलिए मैंने जरूरत नहीं समझी यहां पे बताने की, ठीक है। हाँ तो परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, मैं जस्ट ये इक्वेशंस फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, इसलिए हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा बेटा पार्ट था कंडक्शन वाला, इतना हमारे पास, एक अगर जनरलाइज की बात करें तो इतना हमसे कंडक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा एक हमारे पास आ जाता है अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा लगा देता है इससे। अगर स्टेडी स्टेट कंडक्शन की जस्ट बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके पास दो नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर लगा देता है, और इसमें एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है कि जितनी हीट कंडक्शन से बाहर जा रही है उतनी कन्वेक्शन के थ्रू जा रही है, ठीक है। अच्छा तो हमने यहां से जस्ट बोला कि अगर कंडक्शन के थ्रू हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है, हमने बोला कि ये कोई सरफेस है,
ये कोई हमारे पास सरफेस है जिसको हमने फर्नेस से निकाला है, ये कोई हमारे पास डिवाइस है, ये कोई हमारे पास स्फीयर है, ये कोई हमारे पास सिलेंडर है, व्हाटएवर, इसको हमने यहां से फर्नेस से निकाला है और हमने बाहर डाल दिया हवा में। तो बाहर डाल दिया हवा में तो लॉस करना शुरू करेगा, यहां से लेके यहां तक जो भी हीट आएगी वो कंडक्शन से आएगी और इसके बाद बच्चा इसके बाद जो हीट जाएगी वो कन्वेक्शन से जाएगी। तो हम बस यहां से क्यू थ्रो कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्यू थ्रो कंडक्शन की बात करते हैं, क्यू थ्रो कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्यू थ्रो कंडक्शन की बात करते हैं। तो हमने यहां से जस्ट बोला कि ये जो सॉलिड है हमेशा ध्यान रखना है ये सॉलिड है और अगर सॉलिड है तो हमेशा हमारे पास क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ये हमारे पास जो सॉलिड है बेटा हमारे पास इसको हमेशा हमेशा हम क्लोज्ड सिस्टम की तरीके से बात करते हैं, दिस इज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है तो मैं ऐसे जस्ट लेके चलता हूं कि चलो हमने यहां से बोला कि यहां से जो भी हीट लॉस हो रही होगी क्यू थ्रू कन्वेक्शन वो ऑब्वियसली इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रही होगी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी को डिक्रीज कर रही होगी। हमने यहां से बोला कि हमने बोला जितनी भी हीट यहां से कन्वेक्शन के थ्रू लॉस हो रही होगी That is equal to change of internal energy. But अगर हम internal energy की बात करें तो internal energy में हमने यहां से बोला D और क्या मिल जाएगा बेटा इसमें kinetic energy plus का potential energy और plus का intermolecular energy। तो मेरे लाल हमें अच्छे से पता है कि अगर ये internal energy की just बात करें तो kinetic energy में तो कोई भी change नहीं आएगा, potential energy में कोई भी change नहीं आएगा, केवल केवल हमारे पास बचेगा that is intermolecular energy। तो हमारे पास Q through convection कितना बेटा H into में जो भी इसका surface area A इनटू में जो भी इसका टेम्परेचर है टी और माइनस का बच्चा हमारे पास यहां से मिल जाता है टी माइनस का टी इंफिनिटी, ठीक है। और ये हमारे पास यहां से जस्ट आ जाता है बेटा हमने यहां से बोला कि चेंज आ रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अच्छा हम इसमें जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमने बोला कि पर यूनिट टाइम चाहिए होता है, एक्चुअल में हमने जस्ट बोला कि हमें ये रेट है, ये हमारे पास रेट है बट ये रेट नहीं है तो हम यहां से बस जस्ट ले लेते हैं दैट इज डी टी। तो हमारे पास ये आ जाता है एम इंटू सी वी इंटू डी टी डिवाइड बाई आपके पास यहां से आ जाता है डी टी आ जाता है, कुछ इस टाइप से हम कहानी लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज एच इंटू ए इंटू टी माइनस का टी इंफिनिटी इट इज इक्वल टू एम इंटू सी और सी ले लीजिए बिकॉज सॉलिड है तो आपको डी सी बी सी बी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये जो कहानी है वो कुछ इस टाइप से आ जाती है। इसी फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चा इसी फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला एक और बन जाता है दैट इज टी माइनस का टी इंफिनिटी T माइनस का T इंफिनिटी डिवाइडेड बाई टी आई माइनस का T इंफिनिटी इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस का एच ए टी डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है रो वी सी, एच ए टी डिवाइडेड बाई रो वी सी आ जाता है। और अगर हम यहां से इसको लिखें तो E रेज टू द पावर T डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है टाऊ आ जाता है, ठीक है टाउ आ जाता है। और हम यहां से जस्ट अगर इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास e रेस टू द पावर कितना आ जाता है बेटा हमारे पास फूरियर नंबर इनटू में बायोट फोरियर नंबर इंटू बायोट नंबर आ जाता है। याद करिए याद करो मुझे जल्दी से बताओ क्या ये सही मैंने लिखा है बायोट नंबर इंटू में फोरियर नंबर आ जाता है दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस का अल्फा टी डिवाइड बाई रो स्क्वायर आ जाता है, अल्फा टी डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर आ जाता है। क्या ये सही है जो मैंने लिखा है क्या वो सही है जल्दी से मुझे बता दें, है ना। तो हम अगर यहां से जस्ट इसको लिखना चाहें तो ऊपर लिख दें बड़े आराम से ताकि हमें चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। टी माइनस टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी आई माइनस का टी इन्फिनिटी है ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। e रेस टू द पावर या तो हम यहां से एच ए टी डिवाइडेड बाई रो वी सी याद करते हैं या e रेस टू द पावर माइनस का t डिवाइडेड बाई टाउ वी याद करते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो हम यहां से e रेस टू द पावर हमारे पास कितना आ जाता है माइनस का फोरियर नंबर और इंटू में आ जाता है बायोट नंबर, या हम यहां से e रेस टू द पावर कितना आ जाता बेटा माइनस का अल्फा t डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर। और अल्फा हमें पता है बेटा क्या होता है, अल्फा हमें अच्छे से पता है क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था दिस थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। तो जिस फॉर्म में आपसे पूछ लेता है वो उस फॉर्म में आपको पता होना चाहिए और जय माता दी बोल के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अच्छा अभी हमने यहां से जस्ट बोला ये सारी की सारी एनालिसिस तब वैलिड होती है जब हमने यहां से बोला लम्प्ड हीट एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है दिस इज नोन एज लम्प्ड हीट एनालिसिस, ठीक है। हमने यहां से जस्ट बोला दिस एनालिसिस इज ओनली वैलिड जब हमारा पूरी की पूरी बॉडी में टेम्परेचर ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम हो जाता है, ये तभी वैलिड है जब हम यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू करते हैं दैट डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एट ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब टी इज इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ
dt by, अगर यहां से dt की बात करोगे that should not equal to zero, है ना, dt by dt की बात करोगे it is not equal to zero, ठीक है। हाँ, और ये analysis हम यहां से जब बोलते हैं lumped analysis, तो मतलब biot number जो होना चाहिए वो less than आपका कितना होना चाहिए 0.1 आ जाना चाहिए, biot number कितना आना चाहिए less than 0.1। biot number क्या होता है बच्चा, biot number is equal to हमारे पास आ जाता है H इंटू में D बाई, हमारे पास कितना आ जाता है K ऑफ सॉलिड आ जाता है। और अगर हम यहां से D की जस्ट बेटा बात करना शुरू करें तो D इज नथिंग, D इज द करेक्टरिस्टिक डायमेंशन, D हमारे पास जो आता है वो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन आता है। मैं अब जस्ट अब आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने जस्ट यहां से बोला कि D हमारे पास जो है, D हमारे पास करेक्टरिस्टिक डायमेंशन की बात कर रहा है। अच्छा, D अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक डायमेंशन की बात कर रहा है तो अगर हम यहां से जस्ट लिखना चाहें, हमने बोला कि बायोट नंबर की बात कर रहा था और बायोट नंबर इज इक्वल टू एच डी बाई के, तो हमने यहां से जस्ट बोला डी इज नथिंग, डी इज इक्वल टू वी बाई ए, है ना। हमने फॉर्मूला लिखा था अभी अभी, टी माइनस का टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टी आई माइनस का टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस का एच ए टी डिवाइडेड बाई कितना है रो वी सी। बेटा हमारे पास यहां से वी बाई ए होता है, तो हम जब जब यहां से निकालते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस मिलते हैं बच्चा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट केसेस मिलते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करें तो एक हमारे पास यहां से स्फीयर मिल जाता है, स्फीयर के केस में आप यहां से वी बाई ए निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू आपके पास यहां से आर बाई थ्री मिलता है ना, R by 3 मिलता है। तो आप A by V को यहां से directly 3 by R रखने की कोशिश करिएगा। Next, अगर आपसे यहां से cylinder दे देता है, तो cylinder के केस में आप यहां से V by A निकाल देते हैं, obviously V by A, तो V आपके पास कितना आ जाता है बच्चा, pi R square और into में L आ जाता है, divided by, आप अगर यहां से just बात करेंगे तो आपके पास यहां से 2 pi R into L आ जाएगा और plus का आपके पास कितना आ जाएगा 2 pi R square, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास यहां से जस्ट बेटा पाई आर आपके पास फिनिश हो जाता है। तो ये हमारे पास यहां से कितना मिल जाता है, इट इज इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ द एल प्लस आर आ जाता है। ये हमारे पास यहां से सिलेंडर का केस मिल जाता है। यस, हाँ, प्रांटल नंबर फॉर द विस्कस सब लेयर एंड बफर जोन एंड टर्बुलेंट बलून। प्रांटल नंबर बेटा जब हम बात करते हैं तो किसी भी फ्लूड के लिए डिफाइन करते हैं, आप एयर का पूछो, आप वाटर का पूछो, आप एच जी का पूछो, तो हम उसके लिए प्रांटल नंबर डिफाइन करते हैं, है ना। प्रांटल नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड, Prandtl number is the property of the fluid which gives the relation between hydrodynamic boundary layer and thermal boundary layer. वो relation बताता है, तो हम उस relation में किसी भी एक fluid के लिए define करते हैं कि वो किस fluid के लिए, जैसे air के लिए Prandtl number 0.69 होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा इसको याद रखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ से just बेटा बात करना शुरू किया, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अगर हम यहाँ से just बात करें कि हमारे पास कोई cubic surface है, हमारे पास कोई क्यूबिक सरफेस है, तो इस क्यूबिक सरफेस में बच्चा हमसे यहां से जस्ट बात करता है कि v बाई ए की बात कर रहा है, दैट इज l क्यूब डिवाइडेड बाई 6l स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ जाता है l बाई 6। ये तीन टाइप के सरफेस बच्चा, है ना, ये तीन टाइप के सरफेस जन जनरल आपसे कभी भी दे देता है अनस्टडी स्टेट के केस में, तो वो चाहे क्यूब दे दे, चाहे आपको सिलेंडर दे दे, चाहे आपको यहां से जस्ट स्फीयर दे दे, जो भी केस देता है, इन जनरल आपको स्फीयर देता है, बट आपको चाहे जैसा केस दे दे, आपको यहां से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इट मे बी कि शायद आपको इस बार ऐसे कुछ कोई डक्ट दे दे रेक्टेंगल वाली, इट मे बी कि आपको ऐसे कोई डक्ट दे दे रेक्टेंगल वाली, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यस, हाँ, चलो, हाँ, प्रांटल नंबर और नसल नंबर के रेंज डिपेंड करता है बच्चा, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए लेके चल रहे हैं, किसके लिए लेके चल रहे हैं। प्रांटल नंबर मैंने बोला किसी भी फ्लूड की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी फ्लूड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेरी स्किन है, मेरी स्किन का कलर ये है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी जैसे मैं धूप में जा रहा हूँ, सर्दी आ रही, तो कैसे कैसे वेरी करता है, तो वो आपका एक एयर के लिए अलग वेरिएशन है, लिक्विड के लिए अलग वेरिएशन है, वाटर के लिए अलग वेरिएशन, तो वो वेरिएशन आता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड है दैट नेवर गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। तो हम यहां से जस्ट बेटा इसके बारे में बात कर रहे थे, दिस इज अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिन्स आ जाती हैं, तो फिन्स में हमारे पास तीन केसेस हैं और वो तीन केसेस हमें अच्छे से पता होने चाहिए। हमने यहां से जस्ट बोला कि नंबर वन हमारे पास आती है, एक आती है इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, एक हमारे पास आ जाती है इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन।
अच्छा अगर हम यहां से इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन की जस्ट बात करें तो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला कितना आ जाता है, टी माइनस का टी इंफिनिटी डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाता है, टी आई माइनस का टी इंफिनिटी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर कितना आ जाता है, माइनस का एम एक्स आ जाता है। एम इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना होता है, अगर हम यहीं से लिखना चाहें एम इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट का एच पी डिवाइड बाई कितना आ जाता है, के इंटू ए आ जाता है। एच पी डिवाइडेड बाई हम यहां से जस्ट बेटा काम क्या कितना आ जाता है, यस हाँ रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए जब हम डाया की बात करते हैं तो हम यहाँ से कल मैं आया था एडमिट कार्ड से रिलेटेड वो बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड अपडेट हो गया, हाँ तो आप दोबारा से कर लो है ना, दोबारा से जो एडमिट कार्ड है उसको दोबारा से डाउनलोड कर लो, कुछ लोगों के अपडेट हुए हैं कुछ लोगों के वैसे ही हैं, ठीक है कुछ लोगों के अपडेट हुए हैं कुछ लोगों के वैसे ही हैं, तो आप डाउनलोड कर लो दोबारा से, ठीक है एडमिट कार्ड का इतना बड़ा इशू नहीं है स्वप्निल, ठीक है। चलो हम यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे थे एम एस इक्वल टू अंडर रूट का एच पी बाई के ए की बात कर रहे हैं, अब हमने यहाँ से जस्ट बोला कि हमारे पास एफिशियंसी की बात कर रहा है, एफिशियंसी ऑफ द इन्फाइनिटी लॉन्ग फिन कितना होता है बेटा, हमने यहाँ से बोला 1/ml होता है, 1/ml होता है, ठीक है तो आप यहाँ से जस्ट निकाल सकते हैं। हीट ट्रांसफर की अगर बात करोगे तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू अंडर रूट का एच पी के इंटू ए और इंटू में बेटा आपके पास आ जाता है थीटा नॉट दैट इज टी नॉट माइनस का टी इन्फिनिटी या टी आई माइनस का टी इन्फिनिटी, ओके। चलो इस टाइप से हमसे इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन की बात कर लेता है, अगर हमसे यहां से फाइनाइट लॉन्ग फिन की बात कर लेता है इंसुलेटेड टिप की, फाइनाइट लेंथ एंड इंसुलेटेड टिप, ठीक है फाइनाइट लेंथ एंड इंसुलेटेड टिप, ठीक है आपसे अगर इंसुलेटेड टिप और फाइनाइट लेंथ की बात करें तो भी आप यहां से जस्ट इसके बारे में बात कर सकते हो, तो आपके पास बनेगा टी माइनस का टी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से बनेगा टी आई माइनस का टी इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आपके पास बच्चा बनेगा माइनस का एम एक्स, सॉरी यहां से बनेगा आपके पास कॉस ऑफ हाइपरबोलिक और यहां से बन जाएगा आपके पास एम L डिवाइडेड बाई आपके पास बन जाएगा cos ऑफ हाइपरबोलिक m L माइनस एक्स जिस पे आपसे यहां से सॉरी m L माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से बन जाएगा एम एल, ओके cos हाइपरबोलिक m L यहां से बन जाएगा। अगर हम यहां से जस्ट बात करें m तो आपके पास वही रहेगा तो हमारे पास ये इफिशियंसी कितनी आ जाती है 10 हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है बच्चा एम एल आ जाता है, ठीक है एम एल आ जाता है। क्यू हमसे पूछेगा तो क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, क्यू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट का एच पी डिवाइड बाई एच पी के ए थीटा नॉट और टेन हाइपरबोलिक कितना आ जाता है एम एल आ जाता है ना। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एकदम से याद आने चाहिए। ओके चलिए हाँ चलो इधर से बोलो हाँ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ से जस्ट बात करना शुरू करें दिस इज इन फाइनाइट लेंथ एंड इंसुलेटेड टिप की बात कर रहा है और अगर अनइंसुलेटेड टिप की बात करेगा तो बच्चा अनइंसुलेटेड टिप में फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, अनइंसुलेटेड टिप में सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे केवल एक चीज हो जाएगी बस हमने बोला L जो है वो LC से रिप्लेस हो जाएगी। अब LC यहां से आपको पता होना चाहिए कि अगर LC की बात करेगा तो सर्कुलर सेक्शन अगर दिया तो LC इज इक्वल टू बच्चा आपके पास बनेगा जाके L प्लस D बाई फोर है ना, L प्लस का आपके पास यहां से D बाई फोर बनेगा और अगर आपसे यहां से रेक्टेंगुलर कोई भी फिन होगी तो LC जो बनेगा वो आपका L प्लस T बाई टू बनेगा है ना। बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं ऐसा तो नहीं है ओके सीमा राजू यस मुझे जल्दी से बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं स्पीड में हूं और मैं कमेंट मतलब मुझे लग रहा है कि बस रिवाइज कराना तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको यस ठीक है चले तो हमारे पास बेटा कुछ इस टाइप से तीन केसेस मिल जाते हैं। इसी में अगर हम यहां से जस्ट अगर थोड़ा सा आगे बात करें इसमें एक और छोटी सी चीज पूछ लेता है कि हमने यहां से जस्ट बोला था कि अगर फिन लॉन्ग है या फिन आपकी यहां से जस्ट शॉर्ट है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। फिन के लिए अगर हम यहां से बात करें तो हमने यहां से जस्ट बोल देते हैं 1/ml जो आता है वो लेस देन इक्वल टू आपका यहां से 1/5 आ जाता है, 1/5 आ जाता है। कुछ इस टाइप से आपसे यहां से जस्ट लेके चलते हैं ना। अगर हमने यहां से जस्ट बोला अगर यहां तक है तो हम यहां से कहानी जो लेके चलते हैं वो शॉर्ट लेके चलते हैं, हम यहां से जस्ट लेके चलते हैं कि जो फिन है वो आपकी कैसी है शॉर्ट है। मतलब हमने यहां से जस्ट बोला कि ML जो है हमारे पास वो कितना आ जाता है लेस देन इक्वल टू 5 आ गया तो हमने यहां से बोला कि शॉर्ट है, शॉर्ट फिन है,
शॉर्ट फिन है, मतलब L लेंथ ऑफ द फिन अगर आपको यहां से निकालनी है तो L शुड बी लेस देन कितना आना चाहिए, 5/m आना चाहिए, तब अब तक आप यहां से जो फिन लेके चलेंगे वो शॉर्ट लेके चलेंगे। इन केस अगर आपकी L जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही 5/m तो आपकी जो फिन है वो आप यहां से लॉन्ग फिन लेके चलेंगे, ठीक है, फाइव जो फिन फिन है वो आप यहाँ से लॉन्ग लेके चलेंगे। आप यहाँ से जस्ट यस थीटा नॉट की वैल्यू, थीटा नॉट बेटा आपके पास जो आता है वो TI माइनस का टी इन्फिनिटी आ जाता है, TI माइनस का टी इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, थीटा नॉट जो है वो आपका TI माइनस का टी इन्फिनिटी है। ये हम लेट करते हैं और मेरे ख्याल से ये आपको आपने देखा होगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ये शॉर्ट फिन लॉन्ग फिन के लिए छोटा सा क्वेश्चन जस्ट पूछ लेता है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ से जस्ट पूछ लेता है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस की अगर बच्चा बात करें तो इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन हमारे पास क्या होता है, इसको हम यहाँ से बोल देते हैं क्यू एक्चुअल, है ना, क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाता, सॉरी ये हमारे पास आ जाता है इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्यू विद फिन डिवाइडेड बाई क्यू विदाउट फिन, ठीक है, विद डिवाइडेड बाई क्यू विदाउट फिन आ जाता है, विदाउट फिन आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से विद फिन की बात करते हैं तो विद फिन इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं अंडर रूट का एच पी के इन टू ए और इन टू में हम यहाँ से मान लेते हैं थीटा नॉट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है और डिवाइडेड बाई विदाउट फिन हमारे पास कितना आ जाता है, हम यहाँ से एच इनटू में ए और इनटू में हमारे पास आ जाता है थीटा नॉट, है ना, तो कुछ इस टाइप से मिल जाता है। और इफेक्टिवनेस अंडर रूट का केपी बाई एच ए मिलता है, अंडर रूट का केपी बाई एच ए मिल जाता है। तो हम यहाँ से जब निकालते हैं इफेक्टिवनेस को तो हमें अच्छे से पता है, हमें अच्छे से पता है कि हम अगर यहाँ से जस्ट बात करें तो फिन की कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए, फिन की कंडक्टिविटी जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कंडक्टिविटी ऑफ द फिन जो है वो आपकी हाई होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो फिन है वो आपका लो होना चाहिए। मतलब हम यहां से क्लोजली स्पेस्ड फिन लॉन्ग फिन यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लोजली स्पेस्ड लॉन्ग फिन यूज करते हैं, ठीक है, लॉन्ग फिन यूज करते हैं और फिन को हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट बहुत कम होता है, जहां हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट बहुत ज्यादा होता है वहां पे फिन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज जब जैसे पानी है वाटर कूल्ड इंजन है तो वहां पे हमें फिन का यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें जब ऑलरेडी हमें वहां पे कूलिंग हो रही है तो हम उसको क्यों यूज करेंगे। तो ये जस्ट आपको यहां से जस्ट आपके लिए बताने के लिए, ये तो था आपके पास कंडक्शन, ये तो वाला जो वाला पार्ट था बेटा वो आपके पास था कंडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग यहां से जस्ट बात करना शुरू करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। तो मेरे ख्याल से कन्वेक्शन कंडक्शन आप लोगों ने सबने रिवाइज कर लिया, अब हम लोग यहां से जो बात करेंगे वो कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, पानी पीऊंगा, बिकॉज जल ही जीवन है, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ सकते हो, हम लोग यहां पर अभी खड़े हुए हैं, आज स्पीड खूब ज्यादा है, तब भी टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हुआ होने वाला, चलिए तो अब हम यहां से जस्ट बेटा बात कर लेते हैं कन्वेक्शन के बारे में कि हमारे पास कन्वेक्शन में क्या क्या चीजें पूछ रहा है, कैसे कैसे जस्ट बात करता है। चलिए आगे आते हैं कन्वेक्शन के बारे में। अगर हम बेटा कन्वेक्शन के बारे में बात करना शुरू करें, यस यस केमिकल के लिए लम्ब्ड पैरामीटर, हाँ लम्ब्ड पैरामीटर हो गया, अभी अभी जस्ट करा के निकल गए, ठीक है, अभी हम वहीं से गुजरे थे रास्ते में तो थोड़ा सा पीछे कर लो बस, अभी ये दिख जाएगा, है ना। प्रबुद्ध हाँ कर सकते हो अगर आप केमिकल से हो तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट आज मतलब ऐसा नहीं कि केमिकल के लिए कुछ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं केवल मैकेनिकल के लिए, दो पिछले तीन चार दिन से मैं मैकेनिकल वालों के साथ रहना चाह रहा था क्योंकि आखिरी टाइम है ना, और आखिरी टाइम में हम ही लोग आप एक दूसरे के काम आते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैकेनिकल वालों के साथ रहूँगा। चलो तो हम अगर बेटा यहाँ से कन्वेक्शन की बात करना शुरू करें तो कन्वेक्शन के केस में मुझे यहां से जस्ट ये चीज क्लियर हुई कि हमें कन्वेक्शन में बेसिकली जो होता है वो आपसे यहां से क्या करना होता है, टू कैलकुलेट हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट, ठीक है, टू कैलकुलेट हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। कन्वेक्शन की जब जब आपसे बात करेगा तो एक ही काम है वो ये कि हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट हमें कैलकुलेट करना है, हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट कैलकुलेट करना है, शाम दाम दंड भेद जो भी करना है वो हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहां से जस्ट बेटा कन्वेक्शन की बात करें तो हमें सबसे पहले कुछ रेंजेस ऑफ एच, अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के केस में एच की कुछ रेंजेस होती हैं जो आपको याद रखनी है ना,
एच की कुछ रेंजेस होती हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि एच की वैल्यू निकल गई, फिर आपसे जस्ट ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा कन्वेक्शन हो रहा है, फ्री कन्वेक्शन हो रहा है या फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है। तो आप बताओगे कि एच की रेंज बता दो, तो मैं तुरंत बता दूंगा। और एच की रेंज कैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगर मैं रेंजेस ऑफ एच की बच्चा बात करना शुरू करूं, तो एच अगर बेटा आपका यहां से मैं लिख रहा हूं 3 से लेके 25 के बीच में, अगर एच आपका लाई कर रहा है तो दिस इज फॉर द केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन इन एयर, दिस इज द केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन इन एयर। ठीक है, तो ये फ्री कन्वेक्शन इन एयर का केस है। और अगर बेटा आपसे यहां से एच जो है वो 25 से लेके 450 तक आ गया, तो ये जो कहानी है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन इन एयर की बात कर रहा है। ठीक है, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन इन एयर की बात कर रहा है। आपने अगर कहीं पे जस पढ़ा है तो मुझे बताइएगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां से चलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हमसे यहां से जस बेटा बात करें कि हमसे जो एच है वो 250 से लेके यहां से 600 के बीच में लाई कर रहा है, लेट सपोज हमसे यहां से जस बात कर रहा है 250 से लेके 600 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये बच्चा आपके पास फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड्स की बात कर रहा होगा, ठीक है, इन लिक्विड्स की बात कर रहा है। एच की वैल्यू, हाँ एच की वैल्यू अगर आपकी 600 से लेके 3000 के बीच में लाई कर रही है, 3000 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपके पास जो आएगा वो फोर्स्ड कन्वेक्शन इन लिक्विड्स की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बस आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा याद रखना नहीं है, बस इतना ही छोटा सा पार्ट है जो आपको याद रखना है। अगर एच आपका बेटा जस्ट बात करे कंडेंसेशन के लिए, लेट सपोज पूछ रहा है, तो कंडेंसेशन के लिए लेट सपोज हमसे यहां से बोले कि कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर, ये आपका आ जाता है 3000 से लेके 25000 के बीच में, अगर एच आपका आ जा रहा है तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब आपका जो हो रहा है वो कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। आपका जो हो रहा है वो बेटा कौन सा हो रहा है, कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। मैं थोड़ा साइड में हट जा रहा हूं। और अगर आपका यहां से 5000 के से लेके 25000 के बीच में हो रहा है, 5000 से लेके 25000 के बीच में हो रहा है, तो मतलब वो बॉइलिंग हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये रेंजेस ऑफ द एच हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास जो रेंजेस ऑफ द एच हैं वो इतनी होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी मिल जाता है कि हमारा फ्री कन्वेक्शन हो रहा है या फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है तो सर कैसे करेंगे, तो यस आई कैन डू लाइक दिस, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से इतना बड़ा तो कोई इशू है नहीं, आपको याद होगा सबको। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रख लीजिएगा, इट मे बी कि शायद आपको इससे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ऐसा मतलब हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कन्वेक्शन का मेन मोटो क्या होता है, कन्वेक्शन का मेन मोटो होता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को निकालना, चाहे वो फ्री कन्वेक्शन हो चाहे वो फोर्स कन्वेक्शन हो। तो हम अगर यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू करें, तो हमने यहां से बोला कि हमारे पास दो टाइप के कन्वेक्शन मिलते हैं, फ्री कन्वेक्शन की बात करें चाहे वो फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें। ठीक है, फ्री कन्वेक्शन की बात करें चाहे वो फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें। तो हम यहां से जब फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करते हैं, तो हमने बोला कि फोर्स्ड कन्वेक्शन के केस में हम मोशन जो है फ्लूड को किसी एक्सटर्नल एजेंट से प्रोवाइड कराते हैं। अगर एक्सटर्नल एजेंट से प्रोवाइड कराते हैं तो हमें यहां से जस्ट चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं कि जो हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन है ना, इस फोर्स्ड कन्वेक्शन में सर हमारे पास क्या क्या है। हमने यहां से जस्ट बोला कि एक तो फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट मिलेगा, ठीक है, और एक फ्लो इनसाइड पाइप और डक्ट मिलेगा। ठीक है, फ्लैट प्लेट मिलेगा या आपका फ्लो इनसाइड पाइप और डक्ट के अंदर का फ्लो मिलेगा, है ना, पाइप या डक्ट के अंदर का फ्लो मिलेगा। तो अगर फ्लो ओवर आपका यहां से फ्लैट प्लेट की जब भी बात करेगा बच्चा, तो फ्लैट प्लेट के लिए आप यहां से जस्ट देखिएगा, बोल के चलेंगे कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर, मैंने कल भी बताया था या जब थर्मो एफएम पढ़ाया होगा, 5 × 10⁵, तो लेमिनार फ्लो लेके चलते हैं, यह आपको याद होना चाहिए, है ना। और रेनॉल्ड नंबर अगर आपका ग्रेटर देन आ जाए 6.5 × 10⁶, तो आप जो फ्लो लेके चलते हैं बच्चा वो कितना लेके चलते हैं, टर्बुलेंट लेके चलते हैं, ये आपको यहां से अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर आप यहीं से जस्ट बात करना शुरू करें
तो हमें यहां से चीजें और अच्छे से समझ में आती हैं, और हम यहां से जस्ट क्या लिख सकते हैं, हमने यहां से बोला कि ठीक है फ्लैट प्लेट इज ओके। आगे हम यहां से इसमें क्या बोलते हैं, अगर हमसे पाइप या डक्ट के अंदर की बात करेगा तो पाइप और डक्ट के केस में मुझे तो किसी को इश्यू होता नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन है 2000 तो हम यहां से लेमिनार लेके चलते हैं, अगर ग्रेटर देन है दो यहां से 4000 तो हम यहां से क्या लेके चलते हैं, टर्बुलेंट लेके चलते हैं, नॉट 400 इट इज 4000, है ना। अब यहां से एक और चीज जस्ट यहां से बात कर लेते हैं, एक और चीज की बात कर लेते हैं। हमने बोला कि सर पाइप और डक्ट के केस में एक्चुअल में जब रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं, जब हमारा सर्कुलर पाइप है तो उसके केस में तो इशू नहीं होता है, जो आप यहां से रेनॉल्ड नंबर लेके चलते हैं दैट इज आर ई इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू डी डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये जो डी है इसका डाया है, यही इसका करेक्टरिस्टिक डाया बनता है। लेकिन डक्ट के केस में आपको थोड़ा सा इशू आता होगा, तो डक्ट के केस में लेट सपोज उसने यहां से दे रखा है ये एक्स दे रखा है ये वाई दे रखा है, तो डाया करेक्टरिस्टिक जो डाया बनेगा जाके दैट इज 4xy डिवाइडेड बाई आपकी यहां से वेटेड पैरामीटर दैट इज 2 times ऑफ द एक्स प्लस वाई, और ये आपके पास बनेगा 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से बनता है एक्स प्लस वाई, कुछ इस टाइप से आ जाता है। यस 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 टर्बुलेंट, हाँ सर पढ़ा है, ठीक है चलो इधर देखो। तो हमने यहां से जस्ट बोला बेटा हमारे पास कुछ इस टाइप की कहानी बनती है। अब यहीं से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी जो समझते हैं, टर्मिनोलॉजी हमारे पास यहीं से आता है कि हमारा सर यहां से जो भी फ्लूड होता है सबसे पहले कंडक्शन होता है, वही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर कंडक्शन होता है उसी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हम यहां से जस्ट बेटा जो निकाल के चलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज हमने बोला कि क्यू थ्रो जितना कंडक्शन होता है वो बराबर आ जाता है किसके, कंडक्शन की जो भी हीट उसको ट्रांसपोर्ट की जाती है, इसीलिए हम इसको ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बोलते हैं। तो माइनस का के ऑफ द फ्लूड इनटू में एरिया और इनटू में मिल जाता है डीटी डिवाइडेड बाय डीवाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू हमें यहां से मिल जाता है यहां से कन्वेक्शन और एच इनटू ए और इनटू में हमें टी डब्ल्यू माइनस का बच्चा मिल जाता है टी इन्फिनिटी, कुछ इस टाइप की कहानी है। और अगर हम यहां से जस्ट बात करें किसी भी एच की एक्स की बात करें एच एक्स लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो अगर हम यहां से जस्ट बोलें कि लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है तो एच एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एरिया एरिया कट जाता है माइनस का के एफ इनटू में हमारे पास बन जाता है डी टी ओवर डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो एट वाई इज इक्वल टू जीरो और डिवाइडेड बाई आपके पास बन जाता है टी डब्ल्यू और माइनस का बेटा बन जाता है टी इन्फिनिटी। ये आपके पास पहला कहानी बनती है जहां से आपको हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट निकालना होता है। अब बात आती है सर हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट तो निकालना होता है, लेकिन अब हम यहां से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको dt by dy at y is equal to 0 निकालना होता है। तो आप यहां से जब निकालते हैं तो आप यहां से फॉर्मूला लेते हैं ना, आप यहां से फॉर्मूला लेके चलते हैं t माइनस का टी डब्ल्यू है ना डिवाइडेड बाई यहां से आ जाता है टी इन्फिनिटी माइनस का टी डब्ल्यू, देखिएगा एक बार है ना इट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3/2 और y by delta t माइनस का 1/2 y by delta t, ठीक है ऐसे करते हैं। तो आप यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा तो आप सबसे पहले dt over dy निकाल लेते हैं, सबसे पहले आप यहां से dt over dy निकाल लेते हैं, और जब dt over dy अच्छा ये मैं गलत लिख गया हूं, ये t माइनस का t इन्फिनिटी और tw माइनस का t इन्फिनिटी लेके चलते हैं, सॉरी ये यहां से ऐसे लेके चलते हैं। तो आप यहां से dt over dy निकालते हैं, जब आप यहां से dt over dy निकाल लेंगे ऑब्वियसली आप निकाल लोगे बिकॉज ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है केवल ये वेरिएबल है, तो dt over dy निकाल के आप इसमें वैल्यू डालोगे आपका hx निकल के आ जाएगा, समझिएगा बस इतना ही आपको करना होता है। हमेशा जब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इससे अगर प्रोफाइल ये वाला दे रखा है तो इसका, अगर आपका पैराबोलिक दे रखा है तो पैराबोलिक आपका कैसे दे देगा 2 times ऑफ द वाई स्क्वायर 2 times ऑफ द वाई बाई डेल्टा और माइनस का कितना जाएगा वाई स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, है ना डेल्टा कितना हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, बस ये कहानी करेंगे और इसको चलते हुए आगे बढ़ जाएंगे ठीक। तो यहां से हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट एक बार ऐसे निकाल लेते हैं और आपके पास जो भी रिजल्ट आता है उससे आपको इस पर एक क्वेश्चन आपका आया है जिसमें आपका यहां से जो आंसर बन रहा था वो नसल नंबर पे क्वेश्चन पूछा था, मैं अभी उस पर भी बता दूंगा। अच्छा फिर हम यहां से जस्ट बेटा आते हैं तो प्लेट के ऊपर फ्लो की बात करते हैं, और प्लेट के ऊपर पे जब फ्लो की बात करते हैं तो एक चीज जो हमें मिल जाती है दैट इज एवरेज नसल नंबर, और एवरेज नसल नंबर इज इक्वल टू हमारे पास बन जाता है 2 times ऑफ द लोकल नसल नंबर एट द ट्रेलिंग एज, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है दैट इज 0.664 और यहाँ सॉरी ये हमारे पास जो कहानी बनती है दैट इज 646
सॉरी दिस ओके, ये हमारे पास एवरेज नसल नंबर की बात कर रहा है। एवरेज नसल नंबर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ द लोकल नसल नंबर, और लोकल नसल नंबर एट एक्स इज इक्वल टू एल की बात कर लेता है। ये हमारे पास बन जाता 0.646 और बेटा हमारे पास यहां से बन जाता आर ई रेस टू दी पावर 1/2 और पी आर रेस टू दी पावर 1/3। लोकल होता तो ये 0.323 बन जाता है ना, यहां से टी एस माइनस का टी डिवाइडेड बाई टी एस माइनस का टी इन्फिनिटी। स्वप्निल ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, अगर मैं उसको गलत बोल गया हूं तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो नसल नंबर की बेटा अगर हम यहां से जस्ट बात करें बच्चा, तो नसल नंबर इज इक्वल टू हमारे पास यहां से कितना आता है एच एल बाई के, जो बायोट नंबर का फॉर्मूला था वही नसल नंबर का है, बस बायोट में वहां पे सॉलिड हुआ करता था, यहां पे हमारे पास फ्लूइड हुआ करता है। तो आप सबसे पहले यहां से इस फॉर्मूले को डालेंगे और यहां से हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालते हैं। सबसे पहले आप यहां से फॉर्मूले को डालते हैं तो आपके पास 664 नहीं बेटा, ये 646 आता है, ये 646 आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कहीं पे आप मिस्टेक ना कर जाएं ऐसे, है ना। तो ये आपके पास 646। अच्छा, अब हम यहां से जस्ट बात कर रहे हैं इसके बारे में, हमने यहां से निकाल लिया, ये हमारे पास कब आता है, दिस इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, दिस इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो इन द सेंस कि जब जब आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 5×10⁵ से आएगा, और अगर इनके इनकेस उसने बोला कि हमारा टर्बुलेंट फ्लो आ रहा है ओवर अ फ्लैट प्लेट, तो टर्बुलेंट फ्लो में बेटा आप यहां से निकालते हैं इट इज नसल नंबर इज इक्वल टू, आपके पास कितना आता है इसके केस में टर्बुलेंट फ्लो वाला फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है आर ई रेस टू दी पावर भूल गया हूं जीरो आर ई रेस टू दी पावर 0.33 रहता है, यहां पे 0.023 आर ई रेस टू दी पावर 0.33, और ये आ जाता है मुझे एक बार ये फॉर्मूला देख के बताइएगा, और पी आर टू दी पावर बेटा आपके पास आ जाता है यहां से 1/3, पी आर टू दी पावर आपके पास आ जाता है यहां से 1/3। तो एक बार मुझे ये फॉर्मूला कंफर्म करिएगा, शायद मैं भूल रहा हूं कहीं पे, है ना, अगर मैं कहीं पे भूल रहा हूं तो प्लीज मुझे ये फॉर्मूला कंफर्म करिएगा, अगर मैं भूल रहा हूं तो, है ना, और अगर सही है तो भी कंफर्म करिएगा, बिकॉज मैं एकदम से दिमाग से निकल गया कि हम इसका फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं एक बार, जल्दी से मुझे बताएं कि सर सही है, यस हाँ, पी आर टू दी पावर 1/3 0.8 होता है, हाँ ये 0.8 होता है, दैट मैं वही कह रहा था, कहीं मिस्टेक कर रहा हूं मैं, ये 0.8 होता है, दिस इज आर ई रेस टू दी पावर 0.8, ओके करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पी आर टू दी पावर 1/3 इज ओके, पी आर टू दी पावर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके करेक्ट, हाँ 4/5 होता है, आई जस्ट फॉरगॉट। तो ये बेटा हमारे पास ये आ जाता है तब जब हमारा नंबर जो है वो कौन सा आ जाता है बेटा, टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, तो उसके केस में हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो ये जब भी बात करेगा तो फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट की बात करेगा, ध्यान रखना, टर्बुलेंट फ्लो में जो आपके पास कन्वेक्शन आएगा तो कन्वेक्शन का क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, हाँ आरी की, हाँ आरी की वैल्यू जीरो, हाँ ले लिया बेटा ले लिया, है ना। तो हमसे यहां से जब भी बात करेगा तो फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट की बात करेगा, और जब जब वो यहां से बेटा बात करेगा फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट पे, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट अगर हम यहां से देखेंगे तो यस द वैल्यूज विल बी लाइक दिस। अगर वो फ्लो लेमिनार दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, टर्बुलेंट दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आंख बंद करके आप यहां से कुछ नहीं करेंगे, एच निकालेंगे, एच निकालने के बाद आप यहां से क्यू इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू में टी डब्ल्यू माइनस का टी इंफिनिटी से आप यहां से तुरंत हीट ट्रांसफर निकाल देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक आपके पास यहां से फॉर्मूला ये वाला सिंपल बन जाता है। सिमिलरली इसमें एक रेनॉल्ड कोलबर्न की एनालॉजी आती है, और उसमें आप अगर यहां से जस्ट बात करेंगे नसल नंबर इज इक्वल टू आपके पास आता है 0.2, लेमिनार फ्लो के लिए आती है 0.323, और यहां से आर ई रेस टू दी पावर बच्चा लेके चलते हैं 1/2 और पी आर रेस टू दी पावर लेके चलते हैं 1/3। तो आप यहां से क्या कर देते हैं आर ई और इंटू पी आर से डिवाइड करा देते हैं, इसमें भी आर ई और इंटू में पी आर से डिवाइड करा देते हैं, आर ई इंटू पी आर से डिवाइड करा देते हैं, और जब आप यहां से बेटा रेनॉल्ड कोलबर्न एनालॉजी लगाते हैं तो दिस नंबर इज नॉन एज स्टैंटन नंबर, दिस नंबर इज नॉन एज स्टैंटन नंबर, और स्टैंटन नंबर इज इक्वल टू बन जाता जाके 0.323 और आर ई रेस टू दी पावर माइनस का 1/2 माइनस 1/2 और पी आर रेस टू दी पावर माइनस का 2/3, ठीक है। तो ये जो आपके पास यहां से बन जाता दिस इज नथिंग, दिस इज योर सी एफ एक्स बाई टू, ये आपको याद होगा जब ब्लॉसियस इक्वेशन यूज किया करते थे तो ब्लॉसियस में सी एफ एक्स इज इक्वल टू 0.646
646 और अंडर रूट का REX यूज करते थे, अगर याद हो ब्लॉसियस इक्वेशन, है ना। तो ब्लॉसियस इक्वेशन में बेटा आप यहां से जस्ट ऐसे बात किया करते थे, एवरेज नसेल्ट नंबर इक्वल टू 0.5, हाँ ठीक है चलो। तो हम यहां से जस्ट बेटा इसके बारे में बात करते थे, तो ये हमारे पास यहां से जो आता था इसको अगर हम पुट करेंगे तो स्टैंटन नंबर इज इक्वल टू हमारे पास ये जो आ जाता है दैट इज CFX/2 और इनटू में PR raise to the power minus का 2/3, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये H by rho VC मिलता है और rho VCP ले लो आप यहां से, तो CFX/2 इनटू में PR to the power minus 2/3। तो यहां से फिर से आप हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट निकाल सकते हो जस्ट बाय नोइंग द लोकल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। मेरे ख्याल से आप लोग इसको करते रहते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा, एक जस्ट रिनॉल्ड कॉर्बन की एनालॉगी है जो उन्होंने अपने बेसिस पे दी थी कि हाँ अगर हमारे पास लोकल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है तो उसकी मदद से हम डायरेक्टली हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट नोइंग अबाउट द हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपके पास यहां से ऐसे मिल जाता है। ये प्लेट की बेटा बात कर रहा था, ये आपसे जो भी बात कर रहा है वो आपसे पास प्लेट की बात कर रहा है। ब्लॉसियस इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ब्लॉसियस इक्वेशंस यस CFX की वैल्यू बेटा वो आपको देगा, जब भी आपसे बात करेगा CFX की वैल्यू देगा। ब्लॉसियस की इक्वेशंस याद रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूं आपके पास ब्लॉसियस की इक्वेशंस नहीं भूलनी है आपको, लेमिनार फ्लो के लिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए दोनों के लिए ब्लॉसियस इक्वेशंस दोनों ही मतलब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना, बिकॉज इसके बेसिस पे ही आप यहां से सब कुछ निकाल पाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास डेल्टा जो आ जाता है वो कितना आ जाता है 5x डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है अंडर रूट का REX, और यहां से CFX इज इक्वल टू कितना आ जाता है 0.664 डिवाइड बाई अंडर रूट का REX आ जाता है, ठीक है। और CD इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास यहां से 1.32, यहां से कितना आ जाता है 1.323, इसको जस्ट 328, ठीक है 328, एक मिनट इसको करिए डबल, यहां से जस्ट डबल 8 और यहां से 2 और यहां से कितना जाएगा 1.328, ठीक है कुछ इस टाइप से आएगा। डिवाइड बाय अंडर रूट का बेटा कितना मिल जाता है REL, इसका जस्ट डबल आता है, लेमिनार फ्लो के केस में इसका जस्ट डबल आता है, तो कैलकुलेट आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब ऐसे ही याद किया हूं तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 0.576x 0.5 या 0.38, है ना 0.38x और कहीं कहीं पे 0.576 भी x दिया है, और REX raise to the power 1/2, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बिकॉज RE की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये आता है 1/5। और यहां से अगर बेटा CFX की बात करोगे तो CFX आता है 0.059 डिवाइड बाई REX to the power कितना आ जाता है बच्चा 1/5 आ जाता है। और अगर यहां से आप CD की बात करोगे तो CD इज इक्वल टू पॉइंट का 0.74 डिवाइड बाई REL raise to the power 1/5 आ जाता है, ठीक है। तो इसके केस में हमें यहां से पता चल जाता है कि डेल्टा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर कितना आता है बेटा, ये देखो यहां से अगर हम जस्ट बात करेंगे 0.2 0.8, तो एक्स टू दी पावर 0.8 होता है, और इसके केस में डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है रूट एक्स होता है। तो दो मिनट में हम यहां से जस्ट बता हाँ 1.328 व्हाटएवर जो भी है मतलब यहां से जस्ट देखिएगा और यहां से सॉल्व करिएगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहां से जस्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास कन्वेक्शन वाला पार्ट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहीं से बात कर लेते हैं। इसी में अगर पाइप की जस्ट बात करेगा तो पाइप के लिए बच्चा आपको याद होना चाहिए, पाइप के लिए नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू आपके लिए ध्यान रहना चाहिए, एक आता 3.66, तो 3.66 जो पाइप के लिए नसेल्ट नंबर होता है वो कब होता है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस में, ये आपका जो रहता है दैट इज कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर के केस में। और अगर आपसे यहां से जस्ट बात करेगा कि नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 4.36, ये आपको याद होना चाहिए किसके केस में कांस्टेंट हीट फ्लक्स के केस में, दिस इज फॉर कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ये आपका जो रहता है वो कांस्टेंट हीट फ्लक्स का केस रहता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है हीट फ्लक्स और कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। अच्छा कोई बात नहीं, इधर से देखो तो हमने यहां से जस्ट बेटा बोला कि हमारे पास दो टाइप से नसेल्ट नंबर रहते हैं। अच्छा इस नसेल्ट नंबर पे ही अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो इसी को आप यहां से कंपेयर कर लीजिएगा जाके HX यहां से H इंटू डी बाई के से, तो आप यहां से हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट निकाल सकते हैं, चाहे कॉन्स्टेंट हीट फ्लक्स का केस हो चाहे कॉन्स्टेंट वॉल टेम्परेचर का केस हो, बस इसको याद रखिएगा, बस इसको याद रखिएगा, जनता गायब हो गई है
चलिए ठीक है, तो जो बैठे हैं बस वो पढ़ लें जल्दी से। तो इसमें बस दो तीन चीजें जस्ट आपको देखो क्या क्या याद रखना है कन्वेक्शन में। मेन पहला वाला फॉर्मूला लोकल हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट का माइनस के एफ डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू माइनस का टी इनफिनिटी। दूसरा आपको यहां से वॉल का केस, एक तो पाइप का केस देगा, एक प्लेट का केस देगा, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के केस में, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन का ही केस जो है वो आपसे इन जनरल पूछा जाता है। तो दो फॉर्मूले उसके लिए बता दिया, एक लेमिनार के लिए एक टर्बुलेंट के लिए। दोनों के बेसिस पे आपको नसल नंबर कैलकुलेट करना, नसल नंबर से आपको हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट कैलकुलेट करना, और हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट से आपका ये आ जाएगा। या रिनॉल्ड कॉल्बन एनालॉगी आपको यहां से देखनी है तो रिनॉल्ड कॉल्बन एनालॉगी के बेस पे बात करेंगे। या फिर आप यहां से अगर पाइप की बात करना शुरू करेगा तो पाइप के केस में आपको बस ये दो ही चीजें याद रखनी है और इसके बेसिस पे हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट निकालना है, और हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट के बेस पे आपको यहां से हीट ट्रांसफर मिल जाएगा और आपका यहां से कन्वेक्शन फोर्स वाला जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हां, इसमें आपका एक और क्वेश्चन जस्ट पूछ लेता है आपका बल्क मीन टेम्परेचर पे। तो बल्क मीन टेम्परेचर आपको यहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बल्क मीन टेम्परेचर मतलब किसी भी सेक्शन का एक एवरेज टेम्परेचर की बात करेगा, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी सेक्शन का एक एवरेज टेम्परेचर की बात करेगा। तो बल्क मीन टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली आपका बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका हीटअप होता जाता है। तो यह चीज आपको यहां से जस्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी भी सेक्शन से हीट ट्रांसपोर्ट कराऊंगा तो टोटल हीट जो ट्रांसपोर्टेड होगा वो हीट फ्लक्स ट्रांसपोर्टेड होगा, और हम यहां से जस्ट बोलेंगे मास जो भी हमारे पास आ जाता है यहां से Q इज इक्वल टू, हमने यहां से जस्ट बोला सर मास फ्लो रेट, और इनटू में बेटा हमारे पास जो भी C होगा, और इनटू में हमने यहां से जस्ट बोला कि हमारे पास टी भी होगा, इतना हीट इस सेक्शन से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। और अगर हम यहां से बोला टोटल हीट ट्रांसपोर्टेड की तो यहां से लेके यहां तक, तो Q इज इक्वल टू आपके पास यहां से बेटा जस्ट जो आ जाएगा एम इंटू सी, और इनटू में बेटा हमारे पास टी बी टू, और माइनस का बच्चा हमारे पास आ जाएगा टी बी वन। इतनी हीट ट्रांसपोर्ट होगी यहां से लेके यहां के बीच में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, और इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको एनालिसिस बेस पे करना पड़ेगा। मतलब आपको यहां से लेट सपोज उसने फ्लक्स दे दिया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बाई एरिया होता है। तो आपको यहां से जो यहां तक देगा वो आपको पूरा का पूरा एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, जितना भी है वो वैसे देगा। एक क्वेश्चन आपका गेट पे आया है, गेट में ध्यान से उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा जाके, बिकॉज अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जस्ट देख लीजिएगा जाके, इसकी बस एनालिसिस कराई जा सकती है, इसको रटाया नहीं जा सकता। तो इसको जस्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे बेटा हम लोग यहां से जस्ट मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग यहां से जस्ट मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है, अच्छा मुझे लिखना है, सॉरी मैं भूल गया था। हाँ, नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है रेडिएशन। कुछ और आपको मिस अगर लग रहा है कि सर मुझे जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑन रेडिएशन, ठीक है। तो अगर हम रेडिएशन की बात करें, अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन क्या है, हम सिंपली जस्ट बोल के चलते हैं कि रेडिएशन कुछ भी नहीं है। रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, एंड हेंस रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यस रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो है उसको किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, एंड हेंस रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन विच ट्रेवल विद द मोशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यस। हाँ, तो हम यहां से जस्ट बेटा अगर थोड़ा सा आगे जस्ट बात करना शुरू करें, हम अगर यहां से जस्ट बात करना शुरू करें तो हमें जस्ट रेडिएशन के बारे में यह आइडिया रहता है कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक चलेंगे, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे ऐसे ऐसे हमें यहां से जस्ट पता रहता है। तो मुझे अच्छे से पता है कि विजिबल थर्मल रेडिएशन की जस्ट बात करेगा तो 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक जो भी रहता है, दिस इज योर विजिबल थर्मल रेडिएशन, ठीक है, विजिबल थर्मल रेडिएशन। कभी कभी अगर आपसे जस्ट इस पे क्वेश्चन पूछे तो आप यहां से जस्ट उसको बता दीजिएगा कि अगर विजिबल थर्मल रेडिएशन की बात करेगा तो यस, द विजिबल थर्मल रेडिएशन है 0.4 से लेके 0.7 के बीच का रहेगा। इनकेस अगर आपसे जस्ट बात करना शुरू करके, चलो ठीक है मुझे इससे लेना देना नहीं है, बट आपको कुछ टर्म विदाउट एनी मीडियम, यस, आपसे कुछ टर्म्स पूछेगा, वो टर्म्स आपको यहां से पता होना चाहिए। देखिएगा मैं यहां से जस्ट बात कर रहा हूं, कुछ टर्म्स आपको यहां से पता होना चाहिए। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो रेडिएशन के बारे में, और वो टर्म्स आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए। क्या रेडिएशन वाले का क्या टर्म होता है, एक हम यहां से जस्ट बात करते हैं, नंबर वन दैट इज टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर। एक हमारे पास टर्म रहता है दैट इज टोटल हेमिस्फेरिकल
इमिसिव पावर, और दूसरा जो टर्म रहता है स्फेरिकल इमिसिव पावर की बात कर रहा है, टोटल हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर। ओके, टोटल हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर। और एक हमसे यहां से जस्ट बात करता है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, एक हमसे यहां से जस्ट बात कर लेता है मोनोक्रोमेटिक हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर, है ना, मोनोक्रोमेटिक सी एच, अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल बोल देता है, मोनोक्रोमेटिक बोलेगा या स्पेक्ट्रल बोल देगा हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर, ठीक है, यहां से जस्ट बात कर लेता है, या हमसे यहां से बात करेगा नंबर थ्री टोटल इमिसिविटी के बारे में, टोटल इमिसिविटी के बारे में, और हमसे यहां से जस्ट बात करेगा मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी के बारे में, और हमसे यहां से बात करेगा मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी के बारे में, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी के बारे में, इसके बारे में बात कर सकता है कि सर ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहां से ये चारों टर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टोटल हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ, या मैं बोलूं टोटल रेडिएशन फ्लक्स, या टोटल रेडिएशन फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस बोल दीजिए, या आप यहां से बोल सकते हैं रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नोन एज टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर। भाई सेस हेमिस्फेरिकल बिकॉज हम सारे डायरेक्शन में सेम चीज चाहते हैं, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, यस। तो दिस इज द टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर की जस्ट बात कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक द टोटल रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करता है। बस ध्यान रखिएगा, जब इस पे बात करेगा टोटल पे तो मतलब किसी वेवलेंथ रेंज में बात करेगा, और अगर मोनोक्रोमेटिक की बात करेगा तो किसी एक वेवलेंथ में बात करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर की बात करेगा तो टोटल हेमिस्फेरिकल पावर हम यहां से जस्ट बोलते हैं दैट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। टोटल इमिसिविटी, टोटल इमिसिविटी बेटा हमें यहां से जस्ट बता देता है इट इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक सर्फेस टू द टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक सर्फेस। अगर मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी की बात करेगा तो यहां से बोलेगा टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक सर्फेस टू द टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक सर्फेस एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे बेटा बात करता है ना। तो हमें यहां से दो तीन छोटे छोटे टर्म है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर एप्सिलॉन की ई की बात करेंगे तो टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर, ई लैम्डा की बात करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर, एप्सिलॉन की बात करेंगे तो बेटा ई बाई ई भी आ जाएगा, E by EB, और एप्साइलन लेमडा की बात करेंगे तो ई लेमडा डिवाइडेड बाई ई बी लेमडा आ जाएगा, ई बी लेमडा आ जाएगा। अगर एप्साइलन लेमडा बेटा हम यहां से जस्ट बात करें तो हम यहां से जस्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां से जस्ट बोल रहे हैं बच्चा तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी की जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी की बात कर रहे हैं। हमने यहां से बोला कि सर अगर हम यहां से जस्ट ऐसे ले लें, लेट सपोज हमारे पास ये ई बी लेमडा एक्सेस है, ये हमारे पास लेमडा एक्सेस है, तो हमने अगर यहां से इनके बीच में जस्ट देखना है तो ऑब्वियसली हम यहां से जस्ट बोल सकते हैं कि इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो एरिया हमें टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर बता रहा होगा, टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर। तो ई लेमडा को आप कुछ ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं दैट ई लेमडा इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई डी लेमडा। मैंने बोला था कि टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सर्फेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है ना। अगर मोनोक्रोमेटिक की बात करें तो एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो हम यहां से मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी को कभी ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि इट इज द रेडियो, इट इज अ क्वांटिटी विच व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर अ वेवलेंथ रेंज, इट इज अ क्वांटिटी विच व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर अ वेवलेंथ रेंज गिव द टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर। आप यहां से देख लीजिए, अगर आप यहां से ई निकालोगे तो ई इज इक्वल टू आपको यहां से मिल जाएगा ई लेमडा और इनटू डी लेमडा का इंटीग्रेशन। अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आप ऐसे भी डिफाइन कर लेते हो कि वो क्वांटिटी है जिसको हम किसी भी वेवलेंथ रेंज पे इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल हमें हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर मिल जाती है। ठीक है, चलिए
तो अब हम यहां से जस्ट बेटा देख लेते हैं, अब हम यहां से जस्ट देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये जो छोटा सा पॉइंट मिल रहा है तो हम इसी को पुट कर देते हैं और यहीं से छोटा सा रिजल्ट निकाल देते हैं। यहीं से छोटा सा रिजल्ट एप्सिलॉन लैम्डा इज इक्वल टू, हमें यहां से ई लैम्डा मिल रहा है। ई लैम्डा को अगर हम यहां से जस्ट देखना चाहें, ई लैम्डा है और हमारे पास कितना है बच्चा यहां से डिवाइडेड बाई ई बी लैम्डा है, ठीक है, ई बी लैम्डा है। तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, ई बाई ई बी मिल जाएगा। तो हमने यहां से बोला कि सर ये जीरो, सो जो भी हमारे पास मिल रहा है ये हमारे पास यहां से e lambda और यहां से d lambda मिल जाएगा और this is nothing it is e b lambda और into में हमारे पास d lambda मिल जाएगा, ठीक है, कुछ हमारे पास ये कहानी मिल जाती है। और अगर मैं यहां से e lambda को लिखना निकालना चाहूं तो epsilon lambda into e b lambda मिल जाता है। मतलब अगर हम यहां से जस्ट बोले तो ये हमें मिल जाता है epsilon lambda और into में बेटा हमारे पास e b lambda और इनटू में हमारे पास डी लैम्डा मिल जाता है डिवाइडेड बाय ई बी लैम्डा और यहां से हमने जस्ट बोला डी लैम्डा मिल जाता है। तो एप्सिलॉन लैम्डा अगर मैं मानूं कि ये लैम्डा के साथ यहां से वेरी नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाता है, ये सबका सब कट जाता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन लैम्डा और ये मिल जाता है ग्रे सरफेस के लिए। ये हमें मिल जाता है ग्रे सरफेस के लिए, द सरफेस हुज मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज ग्रे सरफेस। तो जब भी आपको ग्रे बॉडी निकालनी होती है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अगर ग्रे बॉडी की बात करोगे तो ग्रे बॉडी की जो इमिसिविटी होती है, कभी भी अगर आप यहां से जस्ट बात करेंगे कि मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी देखनी है तो अगर ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी फिक्स है, हमेशा फिक्स है एप्सिलॉन, लेकिन ग्रे बॉडी की इमिसिविटी भी आपकी फिक्स होती है, हां ब्लैक बॉडी जितनी नहीं होती है, लेकिन अगर नॉर्मलाइज्ड बॉडी की बात करोगे, जनरल बॉडी की बात करोगे तो उसकी इमिसिविटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। दिस इज फॉर जनरल बॉडी, दिस इज फॉर जनरल बॉडी, है ना, ये आपका किसके लिए आ जाता है, जनरल बॉडी की। इसकी इमिसिविटी ग्रे से ज्यादा हो सकती, ग्रे से कम हो सकती, बट वेरिएशन दे रही होगी, है ना। और अगर आपसे यहां से कभी कभी ऐसे रिलेशन पूछ लेता है कि ये हमारे पास जो सबसे ज्यादा इमिसिव पावर देगा वो ब्लैक सरफेस देगा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो इमिसिव पावर देगा वो ब्लैक सरफेस, उससे कम जो देगा जो एक लीनियंट देगा वो हमारे पास ग्रे सरफेस दे देगा, ग्रे सरफेस दे देगा। और अगर हमारे पास यहां से कुछ इस टाइप से मिल रहा है तो ये हमारे पास यहां से नॉन ब्लैक सरफेस या जनरल सरफेस मिल जाएगा, दिस इज नॉन ब्लैक सरफेस या जनरल सरफेस की बात करेगा। तो बहुत आराम से आप यहां से समझ सकते हो, जब भी यहां से एरिया की बात करोगे तो ई बी लैम्डा और इनटू में बच्चा आपके पास लैम्डा एरिया, ये टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर दे रहा होगा। और किसी भी पॉइंट पे आपका एप्सिलॉन लैम्डा जो है वो सेम होगा, एप्सिलॉन लैम्डा मतलब हम यहां से क्या लेके चलते हैं, एप्सिलॉन लैम्डा सेम, तो हमारे पास एप्सिलॉन लैम्डा का मतलब ई लैम्डा डिवाइडेड बाय ई बी लैम्डा, ई बी लैम्डा इट इज इक्वल टू ई लैम्डा डिवाइडेड बाई यहां से 2 डिवाइडेड बाई ई बी लैम्डा ऑफ 2, है ना। यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ई लैम्डा की वैल्यू रख दोगे तो आपको यहां से सिंपल सिंपल दिख जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा T1 टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाई बेटा आपके पास आ जाएगा T2 रेस टू दी पावर 4। ये रिलेशन जब रखोगे तब तो आपको यहां से दिख जाएगा ई लैम्डा 1 डिवाइड बाई ई लैम्डा 2 इज इक्वल टू ई लैम्डा T1 रेस टू दी पावर 4 डिवाइड बाई T2 रेस टू दी पावर 4। तो इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ दो बॉडी जो है उनका हम कैसे निकालेंगे, तो आप T1 रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाय T2 रेस टू द पावर 4 सिंपल लगा के आगे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यहां से जस्ट बेटा दो तीन आपके पास लॉज मिलते हैं, एक हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन मिलता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन आपको टोटल हेमिस्फीयर मोनो हेमिस्फीयरिकल पावर के बारे में बताता है फ्रॉम अ ब्लैक सरफेस, तो दैट इज EB इट इज इक्वल टू सिग्मा T2 द पावर 4 बता देता है ना। इसके बाद आपको यहां से एक किरचॉफ लॉ मिलता है, किरचॉफ लॉ आपको बोलता था कि अगर कोई भी बॉडी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो जितना लेगी उतना ही देगी, मतलब आपकी इमिसिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिविटी हो जाएगा, इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी हो जाएगा। लेकिन ये तब वैलिड है जब आपकी बॉडी हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब बॉडी का टेम्परेचर आपका हमेशा सेम रहे। हालांकि आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप यहां से बस केवल केवल सिंपल इसको लगा देना, ठीक है। अच्छा, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको यहां से मिल जाता है, एक आपके पास मिलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की बच्चा अगर हम बात करें तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। ये आपको यहां से मिल जाता है लैम्डा इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 2900, है ना।
और यहीं से हमें जस्ट पता चलता है कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास टी है, मतलब आपका लैम्डा बढ़ता है तो टी घटता है, टी बढ़ता है तो लैम्डा घटता है। और इसी के बेसिस पे बेटा आपको यहां से ग्राफ खींचा था जिसमें उसने यहां से बताया था कि अगर मैं ई बी लैम्डा निकालूंगा तो ये आपके पास यहां से आया था 2π c1 डिवाइडेड बाई लैम्डा रेस टू दी पावर 5 ई रेस टू दी पावर लैम्डा टी डिवाइडेड बाई c2 माइनस का 1, ऐसे उसने इसके बीच में ग्राफ खींचा था। और ये जो ग्राफ आया था बेटा हमारे पास कुछ ऐसे आया था, ये ग्राफ जो आया था वो ऐसे आया था, ऐसे मतलब ये यहां से मिल रहे थे रिजल्ट, ये हमें रिजल्ट मिल रहे थे, दिस इज लैम्डा m1, दिस इज लैम्डा m2 और दिस इज लैम्डा m3। याद होगा ये रिजल्ट ऐसे निकलता है ना, लैम्डा m3 रिलेशन जब भी बोलेगा तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, मतलब वो बोलता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ साइड में आपका यहां से शॉर्टर वेवलेंथ साइड में सिकुड़ता जाता है। गर्मी में आपको जो धूप होती है वो ज्यादा पेनिट्रेट करती है आपकी बॉडी पे एज कंपेयर टू जब आप सर्दी में जाते हो, हीट तो सेम ही आ रही ना सन से, ऐसा थोड़ा ना कि सन से सर्दी में हीट नहीं आ रही, सेम आ रही, लेकिन उसका पेनिट्रेशन फिर सर्दी में बहुत ऐसे होता है लेकिन गर्मी में आपका ऐसे पेनिट्रेशन होना शुरू होता है। यही चीज आपसे यहां से बताता है कि अगर आप यहां से जस्ट बात करेंगे कि अगर आपने यहां से बोला एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ मोस्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ साइड, और अगर आपने यहां से जस्ट बोला कि एट ये लेट सपोज T2 है, ये लेट सपोज T3 है, ये एट अ पर्टिकुलर एट अ सिंगल टेम्परेचर, अगर आप यहां से बोले एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हमारे यहां से बेटा जो थर्मल रेडिएशन है हमारा, या जस्ट मैं बोलता हूं कि यहां से मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर है, फर्स्ट इंक्रीजेस रीचेस मैक्सिमम देन रीचेस टू जीरो, ये आप मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, अगर याद है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे याद है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक फॉर्मूला और आता है दैट इज आप यहां से दो सरफेसिस के बीच में हीट एक्सचेंज की बात करते हैं, जो फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मैं यहां से हीट एक्सचेंज की बात करूंगा तो ये आ जाता है सिग्मा और इनटू में आ जाता है T1 टू द पावर 4 माइनस T2 रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास दो सरफेसेस के बीच में बात कर देता है, दैट इज 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 इनटू A1 और प्लस का आपके पास बन जाता है 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2 और इनटू में कितना आ जाता है A2 आ जाता है प्लस का 1 by A1F12 कुछ ऐसे निकल जाता है, ठीक है। यहां से तो बेटा हम अगर यहां से जस्ट बात करना शुरू करें, इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक सेफ फैक्टर आपका 1 है, एक लेस देन 1 है, तो सिंपल फॉर्मूला मिलता जाके सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 by एप्सिलॉन 1 प्लस का 1 by एप्सिलॉन 2 एंड माइनस का 1 बन जाता है, और यही फॉर्मूला आपको जब लगभग सब जगह यूज करना रहता है, आप बस इसको याद रखेंगे और जय माता दी बोल के आगे बढ़ते चलेंगे। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर हम यहां से जस्ट सॉल्व करते रहे तो आप यहां से ये जब बात करते थे हैं, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, इसी में अगर शील्ड लगा देते हैं, इन केस अगर हमसे बोले कि एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 है तो ये हमारे पास क्यू इज इक्वल टू सिंपल निकल के आ जाता T1 टू द पावर 4 माइनस का T2 रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 बाय एप्सिलॉन माइनस का 1, है ना। तो आप यहां से जब शील्ड लगा देते हैं तो शील्ड लगाने पे आपकी हीट जो है वो कुछ इस टाइप से रिड्यूस हो जाती है। आप यहां से जस्ट बोल देते हैं एक शील्ड अगर सेम इमिसिविटी की लगा दी तो क्यू विद इज इक्वल टू जो है वो क्यू विदाउट का 1/2 हो जाता है, क्यू विदाउट का बेटा 1/2 हो जाता है, मतलब आप यहां से जस्ट ऐसे बोल देते हैं कि एक शील्ड पुट करने पे हमारी जो हीट है वो परसेंटेज रिडक्शन इन द हीट जो आ जाता है, परसेंटेज रिडक्शन जो आता है 1 - 1/(n+1) का रिडक्शन होता है इनटू 100। अब आप देख लीजिएगा, आपने बोला एक शील्ड यहां शील्ड पुट कर दी तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट बची होगी बच्चा, यहां से 50% बची होगी, तो आपने यहां से बोला रिडक्शन कितना हो गया 1+1 2, 50% हो गया। लेकिन अगर आपने यहां से जस्ट बोला मैंने दो शील्ड कर दी तो आपके पास दो शील्ड का मतलब आपका 33% रिडक्शन, यहां से जस्ट देखिएगा हमने यहां से जस्ट बोला कि हमारे पास दो शील्ड लगा दी 3 तो हमारे पास जो रिडक्शन हो गया वो कितना हो गया 66%, 3 लगा दी, 4 लगा दी, 5 लगा दी, जितनी शील्ड लगा देगा यही फॉर्मूला याद रखना है और बस फिनिश। एक शील्ड लगाने से यह चीज कंफर्म हो जाती है कि दो सरफेस एक स्पेस रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, दो सरफेस रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं, एक स्पेस रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब हम एक शील्ड को लगाते हैं, इससे कभी कभी क्वेश्चन आपका बना लेता है। और शेप फैक्टर पे क्वेश्चन आता है, शेप फैक्टर में बेटा उसमें पूरा एनालिसिस रहेगा, रेसिप्रोसिटी रिलेशन जो रहता है वो याद रखिएगा A1F12 इट इज इक्वल टू A2F21, है ना, और इस पर क्वेश्चन आपका आना ही आना है।
इसमें क्वेश्चन आपका आना ही आना है। शेप फैक्टर के बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा आता है, तो उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से, एक दो क्वेश्चन गेट में आ रखे हैं उनको जस्ट देख लीजिएगा, बहुत बड़ा इशू होता नहीं है। दो सरफेसेस हैं, एक का एरिया लेना है। एफ वन टू का मतलब ये होता है कि पहले से हीट चली, दूसरे वाले ने पहले से जो हीट चली, जितनी भी हीट चली थी दूसरे वाले ने उसका कितना पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे से जो हीट चली थी उसका पहले वाले ने कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, बस इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जितना परसेंटेज आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। तो शेप फैक्टर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस वन दैट इज कमिंग फ्रॉम सरफेस टू। जितना भी फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस वन दैट इज कमिंग फ्रॉम सरफेस टू इज नोन एज शेप फैक्टर ऑफ सरफेस वन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस टू। तो हम यहां से जस्ट ऐसे निकाल के चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रेडिएशन की जस्ट बात कर रहा है, रेडिएशन की जस्ट बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहीं से जस्ट बेटा आगे बात करना शुरू करें तो हमारे पास एक हीट एक्सचेंजर भी बचता है, एक हमारे पास हीट एक्सचेंजर भी बचता है जिसमें फॉर्मूले हमारे दो तीन हैं जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, है ना। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो दो तीन फॉर्मूलों पे ही आता है और वो फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। बहुत अच्छे से देखिएगा, हमने यहाँ से जस्ट बोला कि हमारे पास सबसे पहले डेल्टा टी एम की बात कर लेता है। डेल्टा टी एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है डेल्टा टी आई और माइनस का आपके पास आ जाता है डेल्टा टी ई डिवाइडेड बाई एल एन ऑफ हमारे पास कितना आ जाता है डेल्टा टी आई डिवाइड बाई हमारे पास डेल्टा टी ई आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहां से जस्ट बोला कि हमारे पास एक्चुअल में जब पैरेलल फ्लो की बात करेगा तो हमारे पास डिफरेंस केवल डेल्टा टी आई में आता है, डेल्टा टी आई में आता है। ये हमारे पास है टी एच आई, ये हमारे पास है टी सी आई, ये हमारे पास है टी एच ई और ये हमारे पास है टी सी ई, है ना। तो डेल्टा टी आई इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाता है टी एच आई माइनस का टी एच ई और डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाता है टी एच ई माइनस का कितना आ जाता है टी सी ई आ जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करना शुरू करें कि हमसे काउंटर फ्लो की बात कर रहा है तो काउंटर फ्लो के केस में हमको अच्छे से पता है कि हमारा जो सेशन है वो कुछ इस टाइप से है, दिस इज टी एच आई माइनस का टी एच ई और ये हमारे पास आ जाता है टी सी आई और ये हमारे पास आ जाता है टी सी ई। तो डेल्टा टी आई जो हमारे पास बन जाता है वो टी एच आई और माइनस का टी सी ई बन जाता है, यहाँ का डेल्टा टी ई जो बन जाता है वो हमारे पास टी एच ई और माइनस का टी सी आई बन जाता है ना। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है ना। तो हम यहाँ से जस्ट बेटा बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो कहानी है वो कुछ इस टाइप से बन जाती है। अब यहाँ से जस्ट इसी फॉर्मूले में अगर हमसे बात करें कि अगर वो हमसे बात करें कि नंबर वन, If one of the fluid is undergoing in phase change, if one of the fluid is undergoing in phase change, fluid is undergoing in phase change, ठीक है, अगर हमारा कोई भी एक fluid जो है वो हमारा phase change में जा रहा है, undergoing in phase change, ठीक है, phase change, अगर हमारा यहाँ से जा रहा है तो आप यहाँ से LMTD जो भी डेल्टा TM आएगा बच्चा वो चाहे पैरेलल का हो चाहे आपका काउंटर का हो ये दोनों का सेम आता है, ये दोनों का आपका सेम आता है। ठीक है, इन केस अगर आपसे यहाँ से जस्ट बात करें नंबर नेक्स्ट पॉइंट की, यस यस नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हाँ काउंटर, हाँ सेकंड वाला फ्लो जो है बेटा वो काउंटर फ्लो का है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी में जस्ट पूछ लेता है नंबर टू, अगर वो बोले कि इफ हीट कैपेसिटी मतलब एम एच सी पी एच और इज इक्वल टू है एम सी सी पी सी, एम सी सी पी सी वो भी किस में बच्चा, काउंटर फ्लो के केस में, अगर ये आपका काउंटर फ्लो के केस में सेम है, अगर ये काउंटर फ्लो के केस में सेम है तो हम यहां से जस्ट ऐसे सिंपल लेके चलते हैं कि यस इफ द हीट कैपेसिटी इज सेम तो आप यहां पे फिर एलएमटीडी का कॉन्सेप्ट जो है लॉगरिथमिक मीन का नहीं लगा पाते हैं, वो सिंपली आप यहां से लेके चलते हैं एएमटीडी। ठीक है, आप यहां से जो लेके चलते हैं एएमटीडी मतलब एलएमटीडी इज इक्वल टू जो हो जाता है वो इक्वल आ जाता है आइदर डेल्टा टीआई के या आपका हो जाता है डेल्टा टीई के, सब बराबर हो जाता है, तब आप यहां से जस्ट लेके चलते हैं। काउंटर फ्लो के केस में ये केवल वैलिड है, इन केस ऑफ द काउंटर फ्लो ही ये केवल वैलिड है। ठीक है, अच्छा इसी में हमसे यहां से जस्ट एक और चीज दे देता है, इसी में एक और चीज दे देता है हीट कैपेसिटी, यहां से जस्ट बेटा हमसे जस्ट सी की वैल्यू दे देता है, हमसे यहां से जस्ट हाँ एनटीयू के बारे में बात कर लेता है। एनटीयू मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट के बारे में, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट यूनिट के बारे में, नंबर ऑफ
ट्रांसफर यूनिट। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेटा जो रहता है वो सिंपल आपके पास NTU रहता है, और NTU के बारे में आपसे यहां से जस्ट बात करेगा, दिस इज NTU। NTU इज इक्वल टू कितना आ जाता है, UA डिवाइडेड बाई MCP स्मॉल, UA डिवाइडेड बाई MCP स्मॉल, हमेशा हम यहां से जो लेके चलते हैं वो स्मॉल है ना। और एक हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी रेशियो, एक हमारे पास आ जाता है हीट कैपेसिटी रेशियो। तो अगर मैं हीट कैपेसिटी रेशियो की बात करूं, दैट इज डिनोटेड बाय सी है ना, दैट इज डिनोटेड बाय सी, और सी इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो एमसीपी स्मॉल डिवाइड बाय आ जाता है एमसीपी लार्ज। ठीक है, एमसीपी हमारे पास आ जाता है बच्चा लार्ज। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है इफेक्टिवनेस, दो चीजें हैं, एमसीपी स्मॉल, ये हीट कैपेसिटी की जस्ट बात कर रहा था। अभी हमसे एक और चीज जस्ट बात कर लेता है, हमसे जस्ट बात करता है इफेक्टिवनेस की। तो इफेक्टिवनेस में हमारे पास फॉर्मूले हमको अच्छे से पता है, इफेक्टिवनेस को जब भी आपको याद रखना है, एक्चुअल बाई मैक्सिमम होता है, एक्चुअल बाई मैक्सिमम होता है, तो आप यहां से जस्ट देख लीजिएगा, चाहे पैरेलल हो चाहे काउंटर हो, आपके पास यहां से इफेक्टिवनेस की बात करोगे तो आप यहां से एक्चुअल कितना हो सकता है, चाहे वो हॉटर में हो रहा हो चाहे वो कोल्डर में हो रहा हो, भाई हमने बोला एक्चुअल कितना हो सकता है सर, एम यहां से हमने जस्ट बोला एमएससीपीएच THI माइनस का THE, ठीक है, या हम बोले यहां से और एमसीसीपीसी और TCE माइनस का TCI, ये एक्चुअल होगा। डिवाइडेड बाई अगर हम यहां से जस्ट बात करें मैक्सिमम कितना हो सकता है, एमसीपी स्मॉल और यहां से THI माइनस का TCI, बस ये मैक्सिमम हो सकता है। तो अच्छा, हमने यहां से जस्ट बात करना शुरू की तो हमारे पास इफेक्टिवनेस के दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक बन जाता है THI माइनस का THE डिवाइडेड बाई, यहां से बन जाता है THI माइनस का TCI, आपने पढ़ा होगा, और हम यहां से ले लेते हैं कितना बेटा TCE माइनस का TCI डिवाइडेड बाई हमारे पास THI और माइनस का TCI। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे पास यहां से बन जाते हैं, इन दोनों में से एक फॉर्मूले को यस ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस आइदर कोल्ड और हॉट, यस मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है ना, नहीं सुनो, हॉटर का और कोल्डर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हॉटर जहां से एंट्री करे और कोल्डर जहां से एंट्री करे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहां से जस्ट बेटा बात कर रहे हैं, दो फॉर्मूले बनते हैं, इन दो फॉर्मूले में से एक बार में एक ही फॉर्मूला यूज करोगे, ऐसा नहीं करना है कि दोनों फॉर्मूला एक बार एक ही में, नहीं, एक फॉर्मूला से आपने यहां से एक टेम्परेचर निकाल लोगे, दो आपको गिवेन होंगे, तीसरा आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से निकालोगे, दैट इज क्यू इज इक्वल टू, आप यहां से लगा दोगे MSCPH THI माइनस का THE, दैट इज इक्वल टू MCCPC TCE माइनस का TCI, या आप यहां से बोलोगे U इंटू A और इंटू में दैट इज इक्वल टू डेल्टा TM है ना, इससे चाहे जिससे आपको निकालोगे इससे जस्ट बात करोगे। अच्छा चलो यहां से जस्ट बात कर लेते हैं, जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं तब हम यहां से जस्ट बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर हम यहां से इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर हमने जस्ट लेट सपोज हमने यहां से निकाल लिया है, अगर हमने निकाल लिया है तो हम यहां से कुछ रिजल्ट निकालने शुरू करते हैं, मुझे जस्ट बताइएगा, मैं डेल्टा TM जस्ट फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो किसका फॉर्मूला लगाते हैं याद करो, जब हम इफेक्टिवनेस निकाल लेते हैं सी निकाल लेते हैं तो हमने पैरेलल और काउंटर फ्लो के लिए जस्ट बेटा निकालना शुरू करते हैं, तो पैरेलल और काउंटर फ्लो के लिए हमने यहां से इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर निकालना शुरू करते हैं, और हमारे पास यहां से आ जाता है 1 माइनस ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस सी फॉर्मूला क्या था 1 प्लस सी हाँ 1 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस का 1 प्लस सी और इनटू में आ जाता है बेटा हमारे पास NTU और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाता है 1 प्लस सी आ जाता है, कुछ इस टाइप से एक फॉर्मूला आता है। काउंटर फ्लो की अगर हम यहां से बात करेंगे तो काउंटर फ्लो का हमारे पास एक फॉर्मूला याद आ जाता है, दैट इज 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस का 1 माइनस सी NTU और डिवाइडेड बाई हमारे पास बच्चा कितना आ जाता है 1 माइनस सी ई रेस टू दी पावर माइनस का 1 माइनस सी NTU। ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन जाते हैं, इफेक्टिवनेस के दो फॉर्मूले बनते हैं, इन दो फॉर्मूले में हम रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं। अगर हमसे जस्ट बात करें कि वन ऑफ द फ्लूड इज अंडरगोइंग इन फेज चेंज, यही तो हुआ था LMTD में भी, वन ऑफ द फ्लूड इज अंडरगोइंग इन फेज चेंज मतलब C0 और C0 तो 1 माइनस NTU बाई बस यहां से आ जाता है और इसमें भी बेटा 1 माइनस NTU ही आता है। तो हमने यहां से बोला कि इफ वन ऑफ फ्लूड इज अंडरगोइंग इन फेज चेंज, ठीक है, अंडरगोइंग इन फेज चेंज
अगर हमारा एक फ्लूड जो है वो हमारा फेस चेंज में जा रहा है बेटा, है ना, एक फ्लूड अगर हमारा फेस चेंज में जा रहा है, तो हमने यहां से बहुत आराम से जस्ट बोला कि यस, तो हमारा इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरेलल इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंटर, और इट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वन माइनस, यहां से वन प्लस ई रेज टू द पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का एन टी यू आ जाएगा। और कुछ आएगा इसमें, अगर हम यहां से जस्ट बात करेंगे तो हमारे पास वन प्लस ई रेज टू द पावर, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या, वन माइनस, कुछ मिस्टेक कर रहा है बेटा, पैरेलल में ऊपर माइनस, ओके ये बेटा हम यहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये मिस्टेक कर रहे हैं, सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा वन माइनस ई रेज टू द पावर एन टी आएगा, सॉरी मैं यहां पे मिस्टेक कर रहा था, दिस इज, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमसे यहां से जस्ट बात करें कि अगर हमारा एक फ्लूड जो है वो फेस चेंज पे जा रहा है, वन ऑफ द फ्लूड इज अंडरगोइंग इन फेस चेंज, तो सी जीरो हो गया, बाय चांस ऐसा भी तो बोल सकता है कि सी इज इक्वल टू वन हो जाए, सी इज इक्वल टू वन हो जाए काउंटर फ्लो में, दोनों का सेम आ जाए, तो काउंटर फ्लो के केस में हमारा फिर इफेक्टिवनेस ऑफ द जो काउंटर फ्लो बनता है वो हमने यहां से बोला कि हमारे पास जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन जाता है, तो हमारे पास यहां से जो मिल जाता है दैट इज इक्वल टू, हम यहां से लिखते हैं एन टी यू डिवाइड बाई कितना आ जाता है, वन प्लस एन टी यू, एक फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, एन टी यू से एक क्वेश्चन आपका इन जनरल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। यस 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 यस, कुछ फॉर्मूला गलत हो गया लेक्चर में, हाँ बेटा ये फॉर्मूला, ये मिस्टेक हो गया था, मैंने सही कर दिया सिद्धार्थ, बेटा इसको देखिएगा, मैं मिस्टेक कर गया था, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम यहां से जस्ट बात करें, एक और चीज बोल देता है, लेट सपोज आपसे बोले कि लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर बहुत बड़ी है, लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर आपके पास बहुत बड़ी है, मतलब हमें ये चीज पता चल जाएगा कि एन टी यू आपका बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, बिकॉज एन टी यू इज इक्वल टू कुछ नहीं होता, एन टी यू आपका यू ए डिवाइडेड बाई कितना होता है, एम सी पी स्मॉल होता है, लेंथ बड़ा होगा तो एरिया बहुत बड़ा होगा, एंथ, हाँ ठीक है, हाँ चलो यहां से, यहां से एरिया बड़ा होगा तो बेटा हमारा, नहीं अभी कंफर्म है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैं यहीं पे जब क्वेश्चन ही फंस गया, यहां पे फॉर्मूला लास्ट में फंस गया, तो ऑब्वियसली वो निकल आएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं। देखो होता क्या है कि कभी कभी जल्दी में लिखने में कुछ एकदम से मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक कहीं ना कहीं तो पकड़ में आई जाएगी, तो वो यहां पे मुझे लग गया कि हाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई थी। चलो तो यहां से हमने जस्ट बोला ये इन्फिनिटी हो गया, और अगर ये इन्फिनिटी हो गया बच्चा, तो लेंथ आपने इन्फिनिटी, एनटीयू इन्फिनिटी का मतलब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि सर एनटीयू इन्फिनिटी है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस का वन प्लस सी एनटीयू था डिवाइडेड बाई हमारे पास यहां से वन प्लस सी था, एक फॉर्मूला मेरे पास इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस का वन माइनस सी एनटीयू था डिवाइडेड बाई हमारे पास वन माइनस सी ई रेस टू द पावर माइनस का वन माइनस सी एनटीयू था। हमने यहां से बोला कि एनटीयू इन्फिनिटी हो गया, समझना मेरी बात, अगर एनटीयू इन्फिनिटी हो गया होता तो वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस का इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई हमारे पास यहां से वन प्लस सी मिलता। और मेरे लाल ये हमने यहां से जस्ट चल रहा, जस्ट यहां से हमने बोला कि ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी, और ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी बेटा हमारे पास कितना मिलेगा, इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी हमारे पास कितना मिलेगा बच्चा, जीरो मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा जाके दैट इज 1 बाई 1 प्लस सी बन जाएगा जाके, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला। सिमिलरली जब इसमें आप यहां से करोगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर जो आएगा दैट इज सिंपली हमारे पास मिल जाएगा वन। ध्यान दीजिए, आपसे सिंपल जब बोला जाता है कि अगर बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर है, ध्यान रखना बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर है, तो आपसे जस्ट पूछेगा कि अगर हीट एक्सचेंजर साइज इज वेरी वेरी लार्ज तो इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर कितनी होगी, तो पैरेलल के केस में वन बाई वन प्लस सी आता है बच्चा, और काउंटर के केस में आपका डायरेक्टली कितना आ जाता है, वन। आपने याद करो जब रीजनरेशन करते थे हम पावर प्लांट में, तो वहां पे एक बड़ा सा हीट एक्सचेंजर लिया करते थे जिसकी इफेक्टिवनेस हम वन माना करते थे, और वो वन का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो हम यहां से जस्ट अगर कभी भी पूछ लेता है तो आप इसको जस्ट याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर हमसे यहां से जस्ट बात करें कि एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन की बात करेगा या एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी की बात करेगा, आपसे पूछेगा चेंज इन एंट्रोपी आपका पैरेलल के लिए ज्यादा आएगा या काउंटर के लिए ज्यादा आएगा, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी पैरेलल का ज्यादा आएगा, क्योंकि पैरेलल जो है ज्यादा इररिवर्सिबिलिटी शो करता है, ठीक है, ज्यादा इररिवर्सिबिलिटी पैरेलल शो करता है, तो इसलिए काउंटर में कम इररिवर्सिबिलिटी रहती है, तो काउंटर का आपका चेंज इन एंट्रोपी कम आएगा, या एंट्रोपी जनरेशन का भी सेम ही केस बनेगा जाके, ठीक है। तो ये आपका यहां से पूरा का पूरा फॉर्मूले थे,
या जो भी इसका पार्ट था इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा जाके, है ना। और अब हमारा जो पार्ट है, कल भी क्वेश्चन वाला पार्ट है, कल मैं आपको जस्ट वन शॉट क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर करना होगा, वन शॉट क्वेश्चन दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरा टारगेट है कि दो दिन में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है और ऑब्जेक्टिव में मैं जस्ट कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर हो जाए। तो आपको जस्ट आंसर करना होगा, उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे तो जरूरत नहीं है बट अगर आप चाहिए होगा तो मैं उसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा जो सेशन है वो तो हमारा यहां से फिनिश हो गया, बिकॉज इसमें जस्ट इतना ही था, इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है हीट ट्रांसफर में, बहुत ज्यादा नहीं, केवल मैं आपको बता दे रहा हूं कंडक्शन में जो है वो लास्ट वाले 3 इक्वेशन आपकी जनरलाइज वाली है उससे देख लीजिएगा, वॉल का कॉम्पोजिट वॉल वाला केस देख लीजिएगा, रेडिएशन में आप फैक्टर शेप फैक्टर बहुत जरूरी है उसको देख के जाइएगा और एक फॉर्मूला बताया है वो, ठीक है। हाँ, आज 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 क्वेश्चन अगर होता है तो मैं अभी जस्ट बताता हूं, अगर सेशन बन जाता है तो आज क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आज अगर सेशन बनता है तो मैं आज क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट। और कन्वेक्शन में जितने 2-3 फॉर्मूले बताए उतने याद करके जाइएगा, और लास्ट वाला जो पार्ट बचता है हीट एक्सचेंजर, उसमें ये NTU वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन लेके आता हूं और हम लोग कल मिलेंगे 1 बजे, ठीक है। और आज वाला जस रहेगा तो आज वाला मैं आपको यहां से जस बता दूंगा, ठीक। फ्लूड मशीनरी करना है क्या? लोग बहुत कम है इसलिए, और फ्लूड मशीनरी मैंने अभी जस कराया, अभी मतलब ऐप पे कराया था, मैंने बोला था कि इसका रिवीजन नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली करेंगे, करना तो मैं जस्ट करा देता हूं, उसमें जो केसेस हैं वो मैं बता देता हूं, है ना। एक ही फॉर्मूला बनता है, चलो मैं सामने बताता हूं। एक हमारे पास यहां से इंपैक्ट ऑफ जेट का केस बनता है, इंपैक्ट ऑफ जेट में जब हम यहां से जस्ट बात करते हैं रो ए वी स्क्वायर बनता है, पहला इंपैक्ट ऑफ जेट आपका यहां से प्लेट पे हिट करता है रो ए वी स्क्वायर, मूविंग प्लेट पे हिट करता है तो रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा यहां से इंक्लाइन प्लेट पे हिट करता है तो रो ए वी, और यहां से आ जाता है sin थीटा * cos थीटा fx वाला, और आपके पास यहां से sin square theta और fy वाला कितना आ जाता है रो ए वी sin theta into cos theta बन जाता है। अगर हमारा moving में है तो moving के केस में रो ए वी माइनस यू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रो ए वी स्क्वायर आपको ऐसे लेना है जब आपका फिक्स प्लेट है रो ए वी स्क्वायर, और इंक्लाइंड है तो रो ए वी स्क्वायर sin theta, यहां से मूविंग है तो रो ए वी माइनस यू स्क्वायर, इंक्लाइंड है तो रो ए वी माइनस यू स्क्वायर sin square theta, ठीक है। ये चारों केसेस हैं। परपेंडिकुलर में रो एक आपका यहां से इंक्लाइंड वाले केस में परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स बनेगा जाके वो कितना बन जाएगा रो ए, और यहां से जस्ट बेटा बन जाएगा कितना वी माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस उसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बात आती है कि हमारी कोई कर्व्ड वेन है, कर्व्ड वेन पे अगर बीच में हिट कर रहा है तो रो ए वी स्क्वायर 1 + sin θ 1 + cos θ, और यहां से साइड से हिट कर रहा है तो कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव और साइन थीटा प्लस का साइन फाइव, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं जाके, ठीक है। ये वाला पार्ट और बता देता हूं, पंप के केस में अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो पंप के केस में NPSH वाला फॉर्मूला देख के जाना और स्पेसिफिक स्पीड पढ़ के जाना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, 2 से 3 फॉर्मूले मैंने करवाए हैं, वो 2 से 3 फॉर्मूले करके जाना, उसमें क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा, ठीक है। पंप के केस में केवल इस पे आता है, एक डिग्री ऑफ रिएक्शन पे पंप पे क्वेश्चन आ जाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन RD क्या होती है उसको अच्छे से कर लेना। टरबाइन के केस में भी आपका केवल जब भी बात करेगा तो एक ही डायग्राम आपको बस याद रखना है, बाकी सब भूल जाइए, एक ही डायग्राम याद रखना है। हमने यहां से जस्ट बोला कि सर सब मोम आया है, बस इतना याद रखना है कि सर हम यहां से एंट्री कर रहे हैं, ये हमारे पास V1 है, ठीक है, हम यहां से जस्ट सर ऐसे आ रहे हैं, ये हमारे पास यहां से VF1 है, यहां से हम आ रहे हैं सर, ये हमारे पास यहां से VR1 है, दिस इज योर U1 एंड दिस इज योर VW1, ठीक है, VW1 ये यहां से निकल रहे थे सर, ये हमारे पास VR2 था, ये हमारे पास यहां से U2 था, ये हमारे पास यहां से VW2 था, और ये हमारे पास VF2 है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास V2 है और ये हमारे पास यहां से VW2 है, V2 और VF2 के बीच में, V1 और यहां से VF1 के बीच में, ये डायग्राम आपको बस याद रहना है। अब वो देखो पंप से जब जब बात करेगा, पंप में आपकी एंट्री जब आप यहां से जस्ट बात करते हो कि सर हम पंप की बात कर रहे हैं तो पंप में हम एंट्री और एग्जिट पे डिपेंड करता है। आपसे जैसे आपने टरबाइन ली तो टरबाइन में आपसे बोलेगा एंट्री रेडियल है, एंट्री रेडियल का मतलब ये वाला टर्म ऐसे आ गया, V1 is equal to VF1 हो गया, एग्जिट रेडियल है तो VF यहां से V2 is equal to आपके पास यहां से VF2 हो गया, बस इतना ही याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। 2 से 3 मेरे ख्याल से 2 से 3 या 5 फॉर्मूले बनेंगे, वो 5 फॉर्मूले आप याद रखना और बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग यहां से एंड करते हैं, और एंड करने के बाद
बाकी कल क्वेश्चन कर लेंगे एक नंबर वाले, क्योंकि दो नंबर वाले क्वेश्चन अब करना पॉसिबल नहीं है, तो एक नंबर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, होप सो कि मतलब जो 3-4 दिन का ये मेरे सेशंस चल रहे थे, इन सेशंस से आपको हेल्प मिली होगी, ऐसा मेरा उम्मीद है कि आपको हेल्प मिला होगा 3-4 सेशन से। अब आप अच्छे से जानना, पेपर देना जाके, और चलते हैं फिर आगे, है ना। कुछ ना कुछ ऑब्वियसली नहीं होता है, होना ना होना वो बात की बात है, हम अपना काम कर रहे हैं और अपने काम पर हम अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, और हम लोग अभी सेशन को जस्ट करते हैं एंड। थैंक यू स्लाइड मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप मेरा जो थैंक यू है वो स्वीकार कर लें, है ना। ये थैंक यू जो है वो आप मेरा स्वीकार कर लें, और ये जरूरी होता है ना कि मैं थैंक यू बोलूं तो सामने पीछे दिखना है। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, फिर हम लोग यहाँ से जस्ट कल फिर मिलेंगे। यस, अरे डर मत, डरो मत यार, डरो मत, कल फिर से 1 बजे, कल सेम 1 बजे, कल सेम 1 बजे। वैसे तो 18 ही लोग हैं, है ना, तो मुझे लाल कलर दिखा दीजिए थोड़ा सा, मैं भी लाल कलर दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा, बाकी हम लोग एंड कर लेते हैं सेशन को, ठीक है। चलिए, वैसे तो मुझे रेड कलर दिख रहा है, इसमें भी रेड कलर 1 है, और मेरा कोड जो है वो है त्यागी 100, ठीक है। तो 20 तारीख से अगर इनकेस जो भी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कल सबके मिला के क्वेश्चन होंगे, कल सबके मिला के क्वेश्चन होंगे 20 तारीख से। बच्चा हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने आपके जूनियर्स वगैरह हैं, उनको बता दीजिएगा, जिसको भी मेरे साथ तैयारी करनी है वो 20 तारीख से अपना रजिस्टर करे और पढ़ना शुरू करे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, फिर हम यहाँ से जस्ट एंड करते हैं सेशन को।